क्यों सेंटर में है क्या? देख, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे, क्रूस का चिन्ह लेंगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। आज से हमारा रिट्रीट शुरू हुआ है, दिन भर आप प्रभु हमें सिखा रहे थे, समझा रहे थे, पवित्र आत्मा द्वारा अच्छे अच्छे उदाहरणों के, अच्छे अच्छे दृष्टांतों के द्वारा आप हमें सिखा रहे थे, समझाए, अच्छे अच्छे गवाहियों के द्वारा आप कितने सरलता से, कितने आसान तरीके से आप सिखा रहे थे, समझा रहे थे प्रभु। प्रभु हम आए आपको जानने, आपके बारे में, आपके राज्य के बारे में समझने के लिए प्रभु। जैसे जैसे हम यहाँ पे आपके साथ समय बिताते हैं प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है प्रभु। अब प्रभु जब हम आप पर निर्भर रहते हैं, आपके वचनों में निर्भर रहते हैं प्रभु, हम देखते हैं प्रभु हमारे जीवन का राह प्रभु अब बहुत सुंदर बनाते हैं प्रभु। अब तक प्रभु हम अपने जीवन जी रहे थे, अंधेरे की राह में चल रहे थे प्रभु, पर प्रभु आपका वचन, आपका प्रेम ने हमारा राह बदल दिया है। और प्रभु हमें ये जो जीवन अभी जीना है प्रभु, सिर्फ आप ही के लिए जीना है प्रभु, आपके योजना के अनुसार जीना है प्रभु। प्रभु आप हमें सिखाइए प्रभु, हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपके प्रेम के बारे में, आपके राज्य के बारे में। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए हमारे मन पर, हमारे मुख पर, हमारे शब्दों पर, जो भी यहाँ पे प्रचार हो रहा है सिर्फ प्रभु आपका हो जाए, आपका महिमा हो जाए प्रभु, आप ही बढ़े और हम घटे प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, आपके वचनों के द्वारा हमें अपना योजना बताने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए। हम शुरू करते हैं शाम का सेशन जो हमारा है। आप लोग सीख रहे थे, मैंने देखा है कुछ लोग यहाँ पे मराठी रिट्रीट के लिए भी आए थे, पर मराठी रिट्रीट के साथ बाद में अभी आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। मैं दिख रहा है आपका भूख कितना है परमेश्वर के को जानने का, आपका भूख दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोग अपने कीमती समय, सब व्यवसाय, जो नौकरी सब छोड़ते हुए आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम अपना समय प्रभु को देते हैं, प्रभु हमें हर एक चीज़ में हमें सफलताएँ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं रोमियो के पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 1 और 2। रोमियो का पुस्तक, रोमन्स, द बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 और 2। अगर किसके पास हिंदी में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। हालेलुया। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को किसको, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हाँ, 12वां दूसरा वचन भी लीजिए। इस संसार
इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। लास्ट लाइन जो अभी आप पढ़े थे, पढ़िए फिर से। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। क्या हम अपना जीवन अपने इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? कितने लोग अपना जीवन, ये जो जीवन हमें दिया गया है, हम अपने जीवन के अनुसार चल रहे हैं? हमारा जीवन तकरीबन सब ना सही है कि नहीं अब तक? क्योंकि हमें पता नहीं था परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में क्या है, सही है कि नहीं? सबसे पहले तो हम जानते ही नहीं थे परमेश्वर का कोई योजना हमारे जीवन में है क्या नहीं। हम तो अपना जीवन जी रहे थे, सांसारिक जीवन जी रहे थे, जो जीवन हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा है, ये जीवन में आएंगे छल कपट का जीवन है, यहाँ पे ऐसा ही होगा और यही जीवन जीना है हमें, सही है कि नहीं? पर परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में बहुत ही अलग है। यहाँ पे ये जो बुक लिखा है, ये जो पुस्तक लिखा है, ये जो किताब लिखा है, ये किसने लिखा है? संत पॉल ने लिखा है। ये संत पॉल ने लिखा है और ये जो रोमन्स के जो देश है, जो रोमन्स है देश के जो नागरिक है, उनको ये दिया गया है, ये उनको लिख रहा है वो। हालेलुया। और वो विनती करता है, बोलता है जो तुम जीवन जी रहे हो वो जीवन तुम्हारा सही नहीं है, वो जो जीवन जी रहे हैं तुम लोग गलत जीवन जी रहे। वो विनती करता है, बोलता है तुम्हारा जीवन जो रहन सहन है वो तुम्हें बदलना है। अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है तो तुम्हें अपना जीवन बदलना है। अभी फिर से वो शुरुआत से फिर से वो पढ़ लेना 12:1। नहीं नहीं वही चलेगा, कोई बात नहीं। रोमन्स 12 वर्स नंबर 1 इंग्लिश में दिया है, आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रदरिन एंड बेग यू इन व्यू ऑफ ऑल द मर्सीज ऑफ गॉड। अभी वो पढ़िए वो लाइन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे अभी कोई इंसान विनती क्यों करता है? हम सब विनती करते हैं क्या? नहीं विनती क्यों करते हैं? वो उसे पता है कि जो अगर तुम ये अगर ये चीज करोगे तो तुम्हारे जीवन में ये परिवर्तन लाएगा। जो हम जो जीवन जी रहे, हमारा जो जीवन हमारा जीना है, क्या हम वो सही जीवन जी रहे हैं? नहीं जी रहे। पर पौलुस क्या कहता है रोमन रोमियो के जो नागरिक है या भाई बहनों से, वो क्या बोलता है? वो विनती कर रहा है, जो तू जीवन जी रहा है, अब तक तू जी रहा था, वो तेरा जीवन वो सही नहीं है, वो गलत जीवन जी रहा है तू। यहाँ पे तेरा सिर्फ नाश ही होगा। हालेलुया हालेलुया। वो क्या बोलता है? दया, दया है ना, बाय द मर्सीज ऑफ गॉड। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब क्या है? मसी है। मसी का मतलब होता है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हुआ, दया का मतलब मसी और मसी का मतलब दया। चलो अच्छा है, ट्रांसलेट तो कर दिया, पर अभी उसका मतलब क्या है? जब तक आपको उसका गहराई नहीं जाने, मतलब ही नहीं जाने, तो उसका क्या फायदा? अगर आप कोई बनाए, अगर मेरे भाई ने आज बनाया कोई चिकन का भी, वो बना रहा है अच्छा डिश बना रहा है चिकन का, ओके, अगर मैं उसको बता दूं ये चिकन है, पर इसका मैंने उसको आपको बताया नहीं ये ऐसा है, इसका स्वाद खाली आपको खुशबू दिला दूं तो बस होगा? जब तक आप चखोगे नहीं
उसका स्वाद नहीं लोगे तब तक आप मजा नहीं करोगे। हाँ बोला गया, देखो ये अभी वो हमारे जो भाई है अभी वो चिकन बना रहे, ओके अभी वो चिकन बना रहा है तो बोले गया मुझे बताया गया कि ये ऐसा ऐसा बना रहा हूँ, ये ऐसा उसको मसाला बना के बना रहा हूँ। तो अभी उसने पूरा डिस्क्राइब करके दिया है, उसने सब उसका वर्णन कर दिया है, उसने बताया देखा ऐसा ऐसा और ये बहुत टेस्टी है डिश, इसमें मैं नारियल डाल रहा हूँ, हरी भाजी डाल रहा हूँ, बोले तो कोथमीर वगैरह डाल के अच्छा सा उसका ग्रेवी बना रहा हूँ, बहुत टेस्टी हो जाएगा, ऐसा करके उसने डिस्क्राइब किया। वो क्या कर रहा है, उसको बता रहा है क्या है। अभी यहां पर संत पॉल क्या बता रहा है हमें, वो अपील कर रहा है, वो विनती कर रहा है हमसे, बोलते जो जीवन तुम जी रहे हैं वो किसका है, हमारा है क्या परमेश्वर का जीवन है, तो हमें कैसा किसका जीवन है, हमारा जो जीवन है यहां पे हम किसके लिए जीना है, हमारे अनुसार जीना चाहिए कि परमेश्वर के अनुसार जीना है। क्या परमेश्वर का जो प्लान है हमारे जीवन में वो अच्छा प्लान होता है क्या खराब प्लान है, क्या पर हम कभी हमने जानने की कोशिश किया है क्या प्रभु जो आपका योजना है जो आपका प्लान है हमारे जीवन में ये प्लान हमारे जीवन में अच्छा है क्या नहीं, कभी हमने कोशिश की है। अभी हम अपने बच्चों को, अभी ये सब हमारे बच्चे ये जो माता पिता जो है बचपन से उनको पालते हैं, तो एक्चुअली वो बच्चे किसके हैं, किसके बच्चे, ये बच्चे हैं परमेश्वर के, हम कौन है उसके, हम माता पिता है चलो ठीक है, पर हम कौन है उनका, हम सिर्फ देखभाल करने वाले हैं, केयर टेकर है, बराबर है, सेकंड वर्ड इज केयर टेकर, जब हम देखभाल करने वाले हैं तो हमारा जिम्मेदारी क्या करना है उसका, उनको क्या देना है, सही एडुकेशन देना है, पर मेन मुख्य काम क्या है, अगर ये बच्चे प्रभु के हैं, सही है, हम सब प्रभु के बच्चे हैं ना, सही है, चलो उदाहरण अभी बच्चों का नहीं, हम अपने खुद का, हम किसके बच्चे हैं, हम अगर प्रभु के बच्चे हैं तो हमें किसके बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहिए, किसका जानकारी हमको होना चाहिए, पर हमें क्या प्रभु का जानकारी, प्रभु के बारे में हमको जानकारी पता जानकारी है या हमको सांसारिक चीजों का जानकारी है, सही है क्या नहीं, हम बोलते हैं हम क्रिस्ती है, बहुत लोग बोलते हैं हम क्रिस्ती है, पर क्रिस्ती का मतलब क्या है, क्रिश्चियन का मतलब क्या है, क्रिश्चियन हम सब बोलते हैं ना, हम क्रिश्चियन है क्या नहीं, हम क्रिस्ती है, क्रिश्चियन का मतलब क्या है, एक धर्म है क्या, क्या क्रिश्चियन एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, फॉलोअर है वो बात अलग है, पर क्रिश्चियनिटी क्या है, आर यू अ क्रिश्चियन, अगर आप बोलते हो मैं क्रिस्ती हूं क्रिश्चियन तो उसका मतलब क्या, सॉरी यीशु के बारे में, यीशु के मार्ग में चलने वाले, आई एम अ क्रिश्चियन ठीक है, पर उसका एक्चुअल मुझे ये बताओ क्या, जो हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन है पर क्या हम एक धर्म है, नहीं नहीं ब्रदर, हाँ या ना, अभी आप सोच में गए, बराबर है ना, अब तक तो हम सोच रहे क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन, मैं क्रिस्ती हूं, क्या हम सही में क्रिस्ती है, नहीं। क्रिस्ती का मतलब क्या है, क्रिश्चियन का मतलब क्या है वो तो बताओ, अगर हमको पता नहीं है तो हम खाली नाम के क्रिस्ती हैं, इंग्लिश में बराबर है, क्राइस्ट इन मी, परमेश्वर मेरे अंदर, क्रिश्चियन बोला था इट्स अ रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, मेरे परमेश्वर के साथ संबंध होना, ये हमारा नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, प्रभु के साथ हमारा संबंध है, तो प्रभु के साथ हम, प्रभु कौन है हमें पता नहीं है, तो क्या हम प्रभु का योजना हमें पता रहेगा, सबसे पहले मुझे पता नहीं मेरा पिता कौन है, कितने लोगों को पता नहीं वो हमारे पिता कौन है, बराबर है कि नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे शादी के समय में हम मैरिज कोर्स होता है ना, मैरिज काउंसलिंग होता है, तो हम 3 दिन का रिट्रीट्स होता है, कंपलसरी है क्या नहीं, तो हमें बांद्रा में मैरिज कोर्स के समय में हमें
रिट्रीट्स के लिए बुलाया गया था कोर्स के लिए शादी से पहले, तो ऐसे बहुत सारे कपल आए थे, तो कपल आए सबका, हमारा रिट्रीट्स हो गया, तो फादर वहाँ पे सवाल पूछने लगे। अभी मैं भी क्रिस्ती हूँ पर मुझे वर्ड का कुछ नॉलेज नहीं, प्रभु के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। सही बात है क्या? नहीं, अभी मेरे जैसे आप लोग भी तो हो गए, मुझे पता नहीं, पर मैं तो था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन था, मैं जाता था चर्च में या जो भी त्यौहार है वो सब कुछ करता था, कम्युनियन लिया, कन्फर्मेशन हो गया, सब कुछ हो गया, ओके, पर मुझे प्रभु कौन है मुझे पता नहीं था। तो फादर एक बार सरमन देते हुए तो उसने एक युवा कपल को पूछा, हमारे पास कितने भगवान है, ओके, तो उन्होंने, अभी वो युवा था तो अभी उसको पता नहीं, सही है क्या ना? अभी वो सवाल मेरे में मुझे भी पूछता था तो मैं भी कंफ्यूज होता था, सही है क्या ना? अगर मुझे कुछ उस चीज का नॉलेज ही नहीं है, अभी जैसे क्या है जनरेटर का, ये भाई ने जनरेटर लाया, अगर ये जनरेटर ब्रदर बोलेगा मेरे को मुझे स्टार्ट कर, ये जाके ब्रदर तू जाके जनरेटर स्टार्ट कर, मैं चला पाऊंगा क्या? नहीं। उसको जला दूंगा, उसकी तो सत्यानाश कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसका जानकारी नहीं है। वैसे मुझे प्रभु का जानकारी नहीं था, प्रभु कौन है मुझे पता नहीं, बराबर है। तो वहाँ पे हम जो बैठे कपल, तो फादर ने सवाल पूछा, तो जो भाई था अभी वो भी ईमानदार आदमी था यार, वो अभी तो बोला है, सवाल तो पूछा, तो उसने क्या किया, उसने चर्च में जो स्टैचूज लगाया ना सब गिनते गया, तो वहाँ पे तकरीबन 13 स्टैचूज था, तो बोला 13 भगवान है। अभी गलत नहीं है ना, अभी तो उसने तो कभी चर्च गया ही भी नहीं था लगता है, तो उसने तो सवाल का जवाब दे दिया, तो हम सब हंसने लगे। अभी हम उस पे हंस रहे, पर असलियत में मैं अपने आप में हंस रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद को भी पता नहीं था, मुझे खुद को भी पता नहीं भाई एक मेरे भगवान कितने हैं। इतना तक तो सब हम बोलते हैं, हमें तभी पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं था, प्रभु यीशु परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानकारी था, प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा है इतना तो पता, पर पवित्र आत्मा का ज्ञान हमें नहीं था, पवित्र आत्मा के बारे में हमको कुछ सिखाया नहीं था। एक बात था, हमें बताया था परमेश्वर के बारे में हमको थोड़ा पता है, या प्रभु यीशु के बारे में हमको पता है, क्योंकि गॉस्पल जब पढ़े, पवित्र आत्मा के ज्यादा ज्ञान देते नहीं है। चर्च में आज भी या कहां भी जाओ पवित्र आत्मा के बारे में कोई भी कोई बताता नहीं है, आज भी यही है। और आज सबसे यहां पे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है इस पृथ्वी में, सबसे शक्तिशाली मनुष्य जो है वो पवित्र आत्मा, और वो हमारे अंदर है, और हमें कल्पना नहीं है वो कौन है, बराबर है ना? हम समझते हैं प्रभु कहां पे है, मूर्तियों में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, सही है क्या नहीं? आप लोग मेरे साथ है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? मेरे टीम में हो क्या नहीं? क्या आप लोग को थोड़ा सा जानकार, एटलीस्ट आप लोग को उतना तो ज्यादा था, मैं तो बोलूं मुझे तो जीरो नॉलेज था, जीरो नॉलेज, सही है क्या नहीं? क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं था। हम तो जाते थे नाम की क्रिस्ती, क्रिश्चियन का मतलब ही नहीं था, और धर्म के जो हिसाब से ही बोलता था, मैं तो क्रिस्ती हूं, अरे तू तो हिंदू है, तू तो मुसलमान है, इसका उसका निंदा करने को तो बहुत आसान होता है, बराबर है ना? तुम लोग इतना ये करते हैं वो करते हैं सब, पर मुझे खुद को पता नहीं था क्या है, 10 नियम जो दिया है वो भी मुझे याद नहीं था, बराबर है। प्रभु यीशु ने हमें एक नियम दिया था वो भी पता नहीं था, कुछ पता नहीं, बस नाम का एक क्रिस्ती था। सबसे पहला जब मुझे प्रभु ने छुआ, जब उसका मुझे बोला ना अभिषेक मिला, और प्रभु को मैं जिस दिन खोजने लगा, ढूंढने लगा, तब मुझे पता चला क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है। क्रिश्चियनिटी इज रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, प्रभु के साथ संबंध बनाना, ये हमारे साथ नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है आप लोग में से कोई है जो प्रभु के साथ सही में संबंध बना के रखे। हम क्रिस्ती बोलते हैं हम अपने आप को, डू वी हैव अ रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, क्या हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है? कितने लोगों का परमेश्वर के साथ सही में संबंध है? हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मैं भी जब मिनिस्ट्री का काम करता हूं, जो बोले वो करता हूं, जाता हूं इधर रिट्रीट में, उधर जाता हूं प्रचार करता हूं, ये सब जीरो वैल्यू है, मैं तो बताता हूं,
जब तक प्रभु के साथ आपका संबंध नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड, इट इज जीरो वैल्यू। बराबर है क्या? नहीं, आपको पता ही नहीं प्रभु कौन है, आप सब कर रहे हैं। वहां पे जो उससे ये भी कहा ना, लोगों को जब प्रभु यीशु कहता है, उन लोग बोलते हैं, अरे मैं तेरे नाम पे, प्रभु यीशु तेरे नाम पे मैंने दुष्ट आत्मा निकाले, बीमारियों को चंगा किया, मैंने बहुत सारा कार्य किया। प्रभु कहता है उसे, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, ये मेरी बात नहीं, ये तो बाइबल का वचन है। सही है क्या? नहीं, तो वहां पे क्लियरली दिया है, तुम करेंगे काम, काम करना जरूर, ये गलत नहीं है, करना तो जरूरी है, क्योंकि तुम अपने आप को जानते हो कि तुम परमेश्वर के बच्चे, तो उसका कार्य बाय डिफॉल्ट तुमको करना है, बाय डिफॉल्ट। यहां पे प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि आप, तुम मेरे शिष्य है। यहां पर मिसा बलि में भी आप आते हो तो आप क्या करते हैं? मिसा बलि किसके लिए? उसके शिष्यों के साथ। जब रोटी और जो रक्त देता है प्रभु यीशु, क्या कहता है? ये मेरे शिष्यों के लिए। किसके लिए बोलता है? मेरे भाई बहन के लिए बोलता है क्या? सिर्फ शिष्यों के लिए बोलता है। तो बाय डिफॉल्ट हम शिष्य है, तो उसका मतलब कोई कार्य करना है हमें, पर क्या पता है कि हमें क्या जो कार्य प्रभु ने दिया है उसके बारे में हम जानते हैं? हम आते हैं, हमारा काम करते हैं, चलो अभी रिट्रीट है, रिट्रीट के लिए आया, रिट्रीट हो गया, निकल गया, हमारे रोजमर्रे जिंदगी में हम निकल गए, क्या होता है, क्या फायदा है उसका? नहीं, हमें प्रभु के बारे में जानना है। अगर मैं कहता हूं मैं क्रिस्ती हूं, क्या सही में मैं, सही मायने में मैं क्रिस्ती हूं, या सिर्फ नाम का क्रिस्ती हूं? आता हूं मैं, रोज आके आता हूं, बैठता हूं, पर मेरा प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मेरा प्रभु के साथ संबंध ही नहीं है तो क्या मुझे जानकारी मिलेगा प्रभु ने क्या रखा है? प्रभु, आप कल्पना करो, प्रभु राजाओं के राजा है, कौन है? राजाओं के राजा। मेरा प्रभु राजाओं का राजा है, कौन है? बोलो ना, मेरा प्रभु राजाओं का राजा है, तो मैं कौन हुआ? राजकुमार। थोड़ा जोर से बोलो, राजकुमार, राजकुमारी हुआ क्या? नहीं, अरे अभी राजकुमार, राजकुमार है। प्रभु कहता बाइबल में दिया है, स्वर्ग तो मेरा है और धरती मैंने अपने बच्चों को दिया हुआ है, मनुष्य के बच्चों को दिया है। बोला तो मुझे दिया है, तो ये पृथ्वी किसका है? हमारा। तो क्या मैं इस पृथ्वी का राजा हूं क्या? नहीं, मैं इस पृथ्वी का राजा हूं। अगर यीशु अपने आप को कहता है कि आई एम द लायन ऑफ जूडा, क्या बोलता है वो? आई एम द लायन ऑफ जूडा बोलता है क्या? नहीं, तो मैं उसका भाई हूं क्या? नहीं, कभी कल्पना किया क्या आप लोग ने? मैं ना जब बाइबल पढ़ता हूं, मैं तोड़ मरोड़ के पढ़ता हूं, मैं बता अलग पढ़ता हूं, मेरा प्रचार भी अलग हो जाता है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु कहता है आई एम द लायन ऑफ जूडा, तो मैं तो उसके नस का ही है, मैं कौन हुआ? मैं भी बाय डिफॉल्ट लायन ही हो गया ना, उसके तो नस से, इससे क्या बोलता है, उससे वंश से आया हुआ हूं, अभी उसका लहू मेरे अंदर है, बाय डिफॉल्ट आई एम ऑल्सो अ लायन, बिकॉज मैं उसके साथ जुड़ा हुआ, जो उसका है वो मेरा है। फिर से बोलू क्या? जो प्रभु यीशु का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो उसका है। उसका मतलब जो भी मेरी बीमारी, जो मेरी गरीबी, मेरा शाप, मेरा पाप, सब प्रभु यीशु को, पर उसकी जो अच्छाई, उसकी जो अच्छाई, उसने सब कुछ जो अच्छा मेरे लिए दिया है वो सब मेरा है। मैं अपने आप को क्या समझता हूं? क्योंकि मुझे पता नहीं प्रभु का योजना क्या है, इसके लिए मेरी यह हालत है। मुझे पता नहीं, मैं बोलता हूं अपने आप से, मैं क्रिस्ती हूं, मैं क्रिस्ती हूं, मैं क्रिस्ती हूं, पर मैं सही में, सही मायने में क्या मैं क्रिस्ती हूं? सिस्टर, अगर प्रभु यीशु इस संसार में थे, आपको एक ही वचन बोला, प्रभु आप इधर थे, मुझे लगता नहीं है कभी आप बीमार थे, कभी बीमार थे क्या? 40 दिन भूखे थे, कुछ हुआ क्या? सर दर्द होता है, हम लोग एक दो दिन फास्ट करते हैं तो उसके बाद हमको भी माइग्रेन होता है, होता है क्या? नहीं, सर दर्द होता है क्या? नहीं, या एसिडिटी पकड़ता है, पर वहां पे दिखा नहीं है। 40 दिन उसने फास्टिंग किया पर उसको कुछ माइग्रेन हुआ या उसको एसिडिटी हुआ, कोई बीमारी नहीं हो। अगर प्रभु आपको कुछ नहीं होगा तो मुझे भी कभी कुछ नहीं होगा, ये हमारा शब्द होना चाहिए। तो अपने आप को
आपको प्रभु के साथ ये करना चाहिए, प्रभु आपको कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप। हमारा रिलेशन कैसा है, हमारा संबंध कैसा है, बनिया के जैसा। बनिया लोग को देखा है क्या नहीं, हा सही कर सही भाई है क्या ना सही, हम वैसे ही है। हालेलुया, प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है, देने वाले नहीं है, पूरा आशीष हमें मिल गया है तभी भी हम भीख मांगते हैं। अरे आपका समस्या क्या, उसको जानता नहीं है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ उन्हें पता है, उसको क्या बोलते हो आप। उनके साथ संबंध बनाओ, उनके साथ रिलेशनशिप रखो। देखो प्रभु स्वयं यहाँ पे आते हैं। कल आपने देखा शायद थोड़े थे यहाँ पे मराठी रिट्रीट के लिए, हमने एक ही वचन ले लिया, एक ही वचन लिया, वो भी हिंदी में लिया मराठी रिट्रीट में। तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शांति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में चंगाई है। बस इतना ही तो दो वचन गा रहे थे तुम लोग, सब गा रहे थे और देख रहे थे सब डिलीवरेंस हो रहा है, उल्टियां कर रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, ये एक एक कुर्सियां तोड़ के जा रहे आगे। क्या कर रहे थे, हमने तो कुछ नहीं किया, आप बैठे बैठे खाली वो वचन बोल रहे थे। क्या कर रहे थे आप, वचन पे आप ग्रहण कर रहे थे, प्रभु के जान रहे थे, जो वचन ले रहे थे उसको जूस के जैसे निकाल रहा था, हम जैसे गन्ने को काट के रस निकालता है ना, चूसते रहते हैं, वैसे आप ले रहे थे और दिल से बोल रहे थे, तभी तो ये चंगाई हो रही थी। हालेलुया, क्या हम प्रभु के बच्चे हैं, हाँ जी आई एम अ क्रिश्चियन, क्या खाली दिखावा का, क्रिश्चियन इज बाय एक्शन। सही में सही मायना, मैं भी सीख रहा हूं, मैं बहुत गलतियां करता, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं। एक ही इंसान यहां पे परफेक्ट था, वो कौन है, प्रभु यीशु, बाकी का सब पापी है। तो उसमें मैं अपने आप को बोल नहीं सकता, यार मैं ही खाली पापी हूँ, सब मेरे साथ है। अगर एक भी छोटा पाप किया तो बड़ा छोटा नहीं होता, पाप पापी है, लेके जाना नहीं है। पर प्रभु यीशु ने सारा पाप, सारा श्राप, सारी पीड़ा, सारी बीमारी क्रूस पे ले लिया है, ये बात हमें ध्यान देना है। जब तक आप उसके साथ संबंध नहीं बनाओगे, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखोगे, आप भले बहुत कुछ कार्य करें, आप खुश नहीं रहोगे। क्या आप खुश हो, बहुत लोग मैंने देखता हूँ बहुत धनवान लोग रहते हैं, बड़े बड़े धनवान धनी है, क्या उन लोग खुश है, बहुत लाखों करोड़ों ऐसा करोड़ है कि उनके 50 पीढ़ी खाने तक का उनके पास पैसा है, क्या खुश है क्या उन लोग, वो दिखावे का हंसी है, अंदर से डर है उनके अंदर। हमारे पास क्या है, बोले ठन ठन गोपाल है, डरता फरता कुछ नहीं, बिंदास जाता है, किधर बुला ब्रदर चलो जाना है, हम जाते हैं आदिवासी खेत में, किधर जाते हैं हमको पता नहीं, मोहेश के गांव में जाते हैं हमको पता नहीं रिटर्न आने वाले, कौन पूछता है, हम तो फिक्र भी नहीं करते। हम गए वो पहाड़ पे, अब फादर बोले चलो जाएंगे, यहाँ नहीं डेढ़ दो घंटे का ड्राइव है, वहां से निकलेंगे चलते हुए, छो पहाड़ चढ़ना है, बताया ना कितना इतना लंबा पहाड़ है, चार पांच पहाड़ चढ़ाते गए ऊपर नीचे, वो जाते जाते तो नटबोल ढीले हो गए, पर बोले चलो कोई बात नहीं, अगर फादर आप चल सकते तो मैं भी चलूंगा, अगर ये भाई चल सकते तो ये मेरा एक जिद है, मैं तो प्रभु के लिए वही बोलता, अगर ये भाई कर सकते तो मैं क्यों नहीं करूं, अगर ये भाई प्रचार कर सकते, ये बहन प्रचार कर सकते तो मैं भी प्रचार कर सकता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है। अगर वो संत पॉल क्या बोलता है, वो निवेदन कर रहा है, वो अपील कर रहा है रोमन्स को, आई अपील टू यू बोलता है, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, भीख मांगता है, अपील का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है वो, परमेश्वर की दया के अनुसार हमें अच्छा जीवन मिला है। दया का मतलब क्या है, हमने हमारा काव्य हमारे पाप के द्वारा हमने गलतियां किया है और हमें 100% दंड है, पर प्रभु इतना दयालु है कि उसने ना केवल मेरा पाप माफ कर दिया, मेरा पाप को क्षमा कर दिया, उसने पूरा दंड भी माफ कर दिया है प्रभु यीशु के द्वारा, और इससे बड़ा क्या मांगता है दया। पर हम भी तभी भी आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ बोलते हैं क्या नहीं। संत पॉल ने हजारों क्रिस्ती को मारा,
उसके बाद जब वो लिखता है, पत्र लिखता है ना कुरिन्थ को, बोलता है मैंने कुछ भी गलती नहीं किया। अगर संत पॉल बोलता है मैंने तो किसका मर्डर नहीं किया, आपने किया क्या भाई? किसका मर्डर किया सिस्टर, आपने कभी किया क्या? सोचा रहेगा, सोचा रहेगा, पर वहां तो उसने सरासर मर्डर किया है, उसने मारा है क्रिश्चियों को, एक नहीं हजारों को मारा है, पर वहां पे बोलता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो एक साफ सुथरा, आई एम क्लीन एट वाइट एज स्नो, बोलता मैं एकदम साफ सुथरा हूं। अगर संत पॉल इतना अच्छा उदाहरण देता, मैंने तो इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया, मैं भी बोलता प्रभु यीशु आपके द्वारा मैं भी एकदम साफ सुथरा हूं, मुझसे तो कुछ गलती हुई हो गई प्रभु, आपने ले लिया है, अब मेरा जीवन कैसा है? मस्त एकदम होता है। हम बोलते हैं ना प्रभु जब हमें बुलाते हैं, ये इधर अभी आपको कॉल आता है, अरे इधर जाना है उधर, कई बार गलतियां भी हो जाते हैं, हम गलत जगह पे भी जा सकते हैं ना, हो सकता है क्या नहीं, पर वहां से भी प्रभु राह मोड़ देता है। अगर ऐसे हम बता रहे हैं ना, हम पिछली बार हरियाणा गए, तो हरियाणा गए उसके बाद हमें दिल्ली भी जाना था, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें एक्चुअली जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि मेरा कोर्ट मैटर्स था और मेरे रूम के खिलाफ उन्होंने काफ़ी सारा प्लान करके रखा था, मैं नहीं रहूँगा तो ये करेगा, एक्शन ले लेंगे, और वो भाई जो थे वो बुला रहे थे, बोले ब्रदर आप आ सकते हैं कुछ दिन के लिए, आ जाओ थोड़ा अच्छा रहेगा, हमने प्लान बना दिया, चलो प्रभु का जो प्लान है उसके हिसाब से मेरा प्लान कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मेरा वो नुकसान करेगा, मेरा कुछ संसारिक नुकसान हो जाएगा, पर मैं आत्मिक इसमें बढ़त होगा क्या नहीं मेरा, हालेलुया। हम सब छोड़ छाड़ कर, उसने अपना काम धंधा, उसका भी व्यवसाय है, वो भी टेलर है, वो भी डिज़ाइनर है, सब दुकान बंद कर दिया, बोला चलो जाएंगे 8-10 दिन के लिए हम निकल गए, और उसके बीच में भी हमें बहुत सारा चैलेंज आया, क्या ऐसा लगता है क्या प्रभु के साथ है क्या हमारा सब राह एकदम आसान होगा? नहीं, पर उसका क्या परवाह करना है हमें, हम किस चीज का परवाह करना चाहिए? जब आप संत पॉल के कहानियां सुनेंगे, जो पत्र पढ़ेंगे ना, उसकी तो धुलाई हो गई है, उसके 40 उसको 29 कोड़े कितना 3 बार मारा गया, उसको पत्थरों से मार डाला है, और उठा के सिटी के बाहर भेजा है, गेट के बाहर फेंका है, वहां से उठता है अपना कपड़े पे वही खून लपते हुए कपड़े पे जाते हैं, दूसरे शहर में जाके प्रचार करते हैं। अगर मैं अभी सवेरे से शाम तक ये कपड़ा पहनता, थोड़ा सा दाग लगे, कैमरा में गंदा दिखते क्या नहीं मुझे पता नहीं, हम सोचते क्या नहीं, अरे कपड़ा थोड़ा सा क्रम्पल रहेगा तो अरे कोई देखेगा क्या नहीं, ये बड़ा प्रीचर आया इसका कपड़ा जूना दिख रहा है। अभी संत पॉल को क्या सोचना चाहिए, वो उसको मारा गया है, वो लहू लुहान हुआ है, वो जा रहा है, उसको फेंक दिया घी, उसको खींच के लेके गया और सिटी के गेट के बाहर उसको फेंका गया, वहां से उठता है दूसरे गांव जाता है और वहां पे प्रचार करता है। आप सोचो कितना बड़ा दीवाना है वो, तो दीवानगी की तो हद है उसकी, हम थोड़े से कुछ हो गया, अरे ब्रदर प्रे फॉर मी ब्रदर, ये समस्या हो गया, क्या समस्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा इतना बड़ा है, अगर कोई बीमारी है ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ये शरीर नाश हो जाएगा, तुम मर जाओगे, और क्या मरने वाले तो एक दिन है ना, क्या गारंटी है क्या और 200 साल जीने वाले आप? गारंटी मैं लिख के देता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा 100 साल जियेंगे, 120 साल बराबर है, उसके बाद यहां से विकेट उड़ती है, टिकट यहां से निकलते हैं, बाद में जाना है किधर जाना है, स्वर्ग या नर्क? अगर प्रभु को आप एक्सेप्ट करते तो ही स्वर्ग है, नहीं तो नर्क है, वो भी अनंत। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन यहां पे ध्यान देना है कि उधर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप लोग ये सब छोड़ छाड़ो, बच्चों को छोड़े नहीं, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, पर कार्य अलग है, समझ आया क्या नहीं? अगर प्रभु ने ये बच्चे दिए है, ये परिवार दिया है, इनका जिम्मेदारी आपको दिया है, प्रभु ने दिया, इनका देखभाल करना ही है। अभी मेरा भी परिवार है, हमारा परिवार है, हमारे मेरी 3 बिटिया है, उनका कॉलेज है, वो ये बड़ी वाली नौकरी करती है, मेरी मम्मी है बूढ़ी बुजुर्ग है, बूढ़ी नहीं बोलूँ, सीनियर सिटीजन है, 75 है उसकी, खुद खाना वाना पकाती है, हमें खिलाती है, मेरे बच्चों को देखभाल करती है। हालेलुया, हालेलुया।
सब कर रहा है, सब कार्य हो रहा है। क्या मैं अभी सोचूं कि अरे मेरा माँ बुजुर्ग है अभी उसका मेरे को देखभाल करना, समय आएगा तो मैं करता हूँ। अगर मैं दूसरों का देखभाल करता, मैं अपने माँ का नहीं कर सकता हूँ, मेरे बच्चों का नहीं देख सकता हूँ, देखभाल कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे। तो उनको पता नहीं क्या क्या करना है? और मुझे बच्चे, मेरे बच्चों को भी पता है कि मेरे हमारा काम क्या है? हम जाते हैं ना फिरने, घूमने फिरने, हम स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग स्टेट में उन लोग जो आते हैं भाई बहन हमें लेके जाने के लिए, वो बोलते हैं ब्रदर आप लोग एक दिन छुट्टी ले लो, हम आपको अच्छा अच्छा जगह दिखाते हैं, अच्छे किले दिखाते हैं, बड़े बड़े अच्छे पहाड़ दिखाते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया जगह है। क्योंकि हम जो हम राजस्थान गए, हम हरियाणा गए, हम गुजरात गए, हम छत्तीसगढ़ गए, अरुणाचल प्रदेश गए, वहाँ पे उन लोग बोल रहे थे एक दिन के आप छुट्टी ले लो, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे जगह जगह दिखाते हैं हम। पर हमारे पास वो समय नहीं था। मैं बोला वो एक दिन या दो दिन अगर हम प्रचार करें किसे जिसका उनका उनका जीवन परिवर्तन हो गया तो बस हो गया ना, इससे बड़ी क्या बड़ी बात है? ये सबसे बड़ी बात है ना, हालेलुया। तो मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए? अपने आप पे होना चाहिए क्या? प्रभु पे। पर हमारा ध्यान किधर रहता है? मैं मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरा नौकरी, मेरा जायदाद, ठीक है ये सब चीज है, मिलना है, प्रभु ने दिया है उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हें सब छोड़ छाड़ के जाना है, ऐसा प्रभु ने कहा नहीं है। ये तो तुमको मिला है, प्रभु के पीछे भागो सब कुछ मिल जाएगा, बराबर है ना? मत्ती का पुस्तक 6:33 में दिया है ना, ढूंढो परमेश्वर को और उसकी धार्मिकता को, और क्या बोल रहे हैं, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हारा ध्यान प्रभु पे रहना चाहिए, उसके वचनों पे, उसके राज्य के बारे में रहना चाहिए, क्या रोटी कपड़ा और मकान के पीछे रहना है? हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम साइंटिस्ट बनो, सब बनो, पर तुम सबसे पहला मुझे बताओ, कितने लोग बच्चे, कितने माता पिता बोलते कि तुम प्रचारक बनो, तुम फादर बनो, तुम नन बनो? हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ देखभाल करने वाले हैं, सही है कि नहीं? तो हमें उनको क्या उनको क्या सिखाना चाहिए, किसके बारे में उनको बताना चाहिए? हमने हमारे बच्चों को सीधा सीधा बताया, हम हर बार बोलते हैं तुम भले इंजीनियर बने, तुम आईटी ऑफिसर बने, सीए बने या कुछ भी बने, वो तो ठीक है, पर तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है जाकर प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। और हम हर बार उनके ऊपर प्रोफेसाई करते हैं और हर बार हमें हम उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारा खुद का मिनिस्ट्री होना चाहिए, ऐसा नहीं क्या फैमिली मिनिस्ट्री, सबका अलग अलग मिनिस्ट्री, जाके खुद प्रचार करो, खुद कार्य करो, यहाँ पे फैमिली बिजनेस नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चे जो है किसके बच्चे? ईश्वर के बच्चे। तो हमें उनको किसके बारे में दिखाना है? हम किसके बारे में बताते? सब संसार के सब कुछ ज्ञान है उनको, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है हम वही बांटते हैं संसार के। और बच्चे बाद में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, शादी करते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं, फिर माता पिता रोते हैं, मैंने बचपन से उसे पाला, खून पसीना एक करके उसको पाला, शादी हो गया, बीबी के साथ निकल गया। अरे उसका निकल गया उसका जिम्मेदारी है, बाइबल में ऐसा नहीं लिया बोला है कि वो माता पिता के साथ रहेगा, ऐसा दिया है क्या? पति अपने पत्नी के साथ ही रहेगा। पर हमारा उम्मीद क्या है? बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, हमने उसको सब कुछ अच्छा किया, शादी के बाद वो ये सब हमारा ध्यान देना चाहिए। तो हमने उसका मूर्ति पूजा बना के रखा है, फिर वो बड़े होते हैं, मूर्ति भी बड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, एक ही बार टूट जाता है मूर्ति, बराबर है, फिर प्रभु को ढूंढते कहाँ पे प्रभु आप, अभी दिख रहे नहीं, क्योंकि हमने उनको गलती सिखाया है, तो गलती करेंगे ना, दोष किसका है, उन बच्चों का है क्या हमारा? अगर बच्चे परमेश्वर के हैं तो सबसे पहले उन्हें परमेश्वर का ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान देना बहुत ही जरूर। अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूं तो मेरा ध्यान किधर रहना है? अगर परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं तो परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में कहां से होगा? क्या है मुझे पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं।
पता है बैलगाड़ी जब चलती है दो बैल रहते हैं, वो बैलगाड़ी अगर पीछे हो जो क्या बोलते हैं बैलगाड़ी चलाने वाले को, हाँ ड्राइवर या कोई वो उसको बोलता है ना, वो अगर वो नहीं है तो बैल चलता रहेगा क्या? नहीं, डायरेक्शन नहीं है ना उसको। तो हमारे भी वैसा है ना, हम भी तो बैल ही है अगर प्रभु के राह में नहीं चलते, हमारा चलना ही है, वो इधर उधर ही जा रहे हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए प्रभु ने बहुत ही सुंदर योजना बनाया है। संत पॉल निवेदन कर रहा है रोमन्स को, अपील कर रहा है वो, आई बेग यू, आई अपील टू यू, वो बोलते हैं परमेश्वर का दया के अनुसार जीना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ प्रभु ने दिया है, ये जीवन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। हम अपने आप को बोझ में दबा के रखे हैं, हम बोझ तले दबे हुए इंसान हैं, वहाँ से निकलो। सबके पास मोबाइल है, तकरीबन मैं देखता हूँ सबके पास मोबाइल है। मोबाइल क्या करेगा, अगर आपके पास व्हाट्सएप है, बहुत सारे यूट्यूब और सब सब चैनल्स होते हैं, आप क्या करो रोज ऑन करो, बहुत सारे मैसेजेस आएगा, उसको अपग्रेड नहीं करेंगे या रिबूट नहीं करेगा, एक 10-15 दिन के बाद क्या होता है मोबाइल हैंग होने को लगता है। सही है क्या नहीं, सही है क्या नहीं? हमारे जीवन में भी तो यही है ना, बहुत सारा कचरा, दुनिया का कचरा हमारे अंदर स्टोरेज हो गया। अगर ये 10 दिन में अगर आप उसको रिबूट नहीं करता है तो इसका क्या हालत होता है, ये कचरे का सामान है। तो हमारे अंदर दुनिया का कचरा जो जमा है और जमाते हैं रोज हमारे जिंदगी में, जमा रहे दुनिया का कचरा हम, तो क्या होता है, इतना छोटा सा दिमाग है, कितना लोड देते हो, इतना सा है, उसको ऊपर ज्यादा प्रेशर कुकर डाल दोगे फटना ही है। हालेलुया, प्रभु ने हमें उनके जैसा बनाया है, हम हूबहू हम सब परमेश्वर के जैसे हैं आत्मा में। अब प्रभु ने हमें, हम सबको नियुक्त किया है, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, और यहाँ पे प्रभु ने हमें अधिकार दिया, वी आर गॉड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यहाँ पे हमें अधिकार लेना है, इंसानों पे नहीं। ये यहाँ पे ये सुंदर जो ये पृथ्वी दिया है हमें उसका देखभाल करना है, यहाँ पे जो भाई बहन है उनको जाके प्रचार करना है। यहाँ तो हम हर एक चीज पे सिर्फ नाश करते हैं, सिर्फ नाश करना जानते हैं, लालच, गुस्सा, अहंकार यही चल रहा है हमारे जीवन में। ये करेगा तो क्या होगा, बरकत। हम क्या करते हैं, नफरत के बीज हमारे बच्चों पे बोते हैं, होता है क्या नहीं? तो हमारे बच्चे बड़े होने के बाद क्या होते हैं, दयालु होते हैं क्या नफरत ही जाते हैं, वही करते हैं ना। तो बीज कहाँ से आया है, हमने दिया हुआ बीज है ना, हमें कौन सा बीज देना है, अच्छा वाला कौन सा है, वचन देना है, परमेश्वर के बीज के वचन के अनुसार उनको राह पे चलाना है। पर हमारा वैसा नहीं है, हमारा जीवन अलग, हम गए और बच्चे गए और फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, बीमारी लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग होते हैं, मैं बताता हूँ, बहुत लोग आजकल का नया ऐसा है, नया पीढ़ी ऐसा है कि अभी हम मेहनत करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे और बाद में रिटायर हो जाएंगे तो पैसे के ऐश करेंगे, होता है क्या नहीं, सुना है क्या नहीं आप लोग? रिटायरमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन आता रहेगा, अगर अच्छा नौकरी है तो लाखों करोड़ बैंक बैलेंस बना के रखेंगे। पर जब जिस दिन वो रिटायर होता है अपने नौकरी से, दूसरा दिन वो खटिया पकड़ लेता है या बीमार होता है। हालेलुया, बाइबल में भी लिखा है ना, हाँ प्रवोज में। हालेलुया, ही डजंट नो इफ ही इज गोइंग टू लिव ऑर नो, बराबर है, वो बोलता भी है ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा इस जीवन हो या जो प्रभु ने हमें दिया है इसका हमें उपयोग करना है क्या नहीं? जितना दिन हम हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रभु का सुसमाचार करना है, प्रभु के स्तुति आराधना करना है, प्रभु का गुणगान करना है। जिस दिन यहाँ से निकला किधर जाना है, प्रभु के पास ही जाना है। तो चिंता का ही चीज का यार,
मिला है। आपको लगता है ना कि हम क्या, हम अभी हम लोग प्रार्थना में क्या हमारा सब नफा प्रॉफिट ही होता है क्या? नहीं होता है, नुकसान हमने भी नुकसान लिया है, पर उसकी क्या चिंता है। एक दिन लगता है आ रहे हो ऐसा हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ, उसके बाद निकलना है। ये नुकसान उसने जो शैतान है ना उसने क्या किया, तुम्हारा सांसारिक चीजों में थोड़ा नुकसान दिया है ताकि तुम्हारा ध्यान किधर होना चाहिए, ये चीज पे, और तुमको डिप्रेशन में डाल देता है। पर हम क्या करते हैं, तूने मेरा नुकसान किया ना, कोई बात नहीं, मुझे दुख लगा है, मैं रोया भी हूं, मेरा नुकसान है, पर मैं बाद में सोचता हूं। और हम लोग प्रेयर भी करते हैं, अभी जैसा तूने मुझे धोया मैं तेरे को धोने वाला हूं। हालेलुया। जो तूने मेरा नुकसान लिया सांसारिक चीजों में तूने लिया ना, कुछ मेरा नुकसान कर दिया, मेरे घर तोड़े, ये वो कर दिया तूने, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तू यहाँ पे क्या ना, अभी मैं जा रहा हूँ, अगले महीना हो गया, अगले महीना मेरा पूरा 15 दिन का व्यय हो गया, नए नए गांव जा रहे हैं हम लोग, जनवरी का भी अब ऑलमोस्ट फिक्स हो रहा है, अभी फरवरी का भी फिक्स हो रहा है, मैंने तो प्लान किया, अभी तूने मुझे फ्री कर दिया, क्योंकि मेरा नुकसान होने वाला था, हो गया, अब क्या है मुझे, अभी रोके क्या करना है। पर मुझे पता है नीति वचन में 6:31 में दिया है, चोर आया है, जब वो चोरी करता है तो उसे 7 गुना देना होता है। तो मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु ये मेरा, इसने चोरी किया है, ये चोर कौन है, वो इंसान नहीं है, शैतान है, इसने मुझे मेरा चोरी किया है, तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। प्रभु आप न्यायाधीश है, यू आर द जज, मेरा न्यायाधीश है ना वो है, हाँ यू आर द जज, तो इसने मेरा लिया है ना, 7 गुना मुझे लेना है, मैं 7 गुना गिनता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं, मैंने टोटल किया है 7 गुना, प्रभु ये 7 गुना मेरे को लेना, मुझे आपका कार्य करना है, और मुझे पता है आप तो देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ध्यान ये सांसारिक चीज पे रहना चाहिए क्या? मेरा ध्यान हर पल प्रभु पे रहना चाहिए। समस्या आएगा, मैं अभी भी बोलता हूँ, समस्या जरूर आने वाला है, पर तुम समस्या पे निर्भर ध्यान रखते हो क्या? प्रभु पे ध्यान रखते हो? समस्या आएगा उस पल आपको आएगा, दिन भर, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, पर आपको समस्या पे ध्यान देना चाहिए क्या? प्रभु पे ध्यान देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु पे ध्यान दे दो, देखो थोड़े देर तक आप एकदम लो रहेंगे, एकदम निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, ऐसा ऐसा रहेगा क्या कुछ कर नहीं सकते, ऐसा लगता है क्या अरे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, ऐसा लगता है क्या अभी हम आए एकदम बोलते हैं ना एकदम मोड़ पे जहाँ पे आगे कोई राह नहीं है, नो एंट्री तक पहुँच गए, आगे कोई नहीं है, प्रभु वहाँ से नया राह बना देता है, प्रभु वहाँ से नया राह बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के योजना के अनुसार अगर आप चलोगे तो आपका जीवन सुखद होगा, आनंदित होगा, मस्त रहेगा, अच्छा जीवन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम बोलते हैं अगर हमको जाना है, अगर हम अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं प्रचार करने को, क्या लगता नहीं है क्या तकलीफ है? तकलीफ है, अभी बच्चों को छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, व्यवसाय छोड़ के जाते हैं, नुकसान तो दिख रहा है, पर ये नुकसान ज़्यादा है क्या? प्रभु का राज्य में बढ़ाना हो जा रहा है, यहाँ पे भले हमको थोड़ा नुकसान होगा, वहाँ पे क्या होगा मालूम है? प्रभु के प्रभु यीशु के दाहिने ओर में मैं बैठा रहूँगा, इसके लिए मैं वहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, जितना हो मैं वहाँ पे जाके प्रचार करूँ, जाके प्रभु यीशु का प्रचार करो, प्रभु यीशु के बारे में बताओ, ताकि जितना मुझे प्रमोशन मिले, जितना जाता हूँ मेरी सीढ़ी बढ़ती जाती है प्रभु के करीब। ये कभी आप लोग ने कल्पना किया क्या? नहीं, क्योंकि आप लोग ने क्या किया है, आप ये संसार के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। मेरा भी ध्यान यहाँ पर नहीं है, मेरा नुकसान होने वाला था, कितना किया तूने शैतान, मेरा नुकसान हो गया, अब मेरा उस पर कोई ध्यान नहीं है, मैं रोया एक दिन दो दिन खत्म हो गया, अब मैं तेरा नुकसान करने वाला हूँ। मेरा ध्यान किधर है? मेरा ध्यान अभी प्रभु मेरा ध्यान है हर पल में जो कार्य करो मेरी सीढ़ी आपके करीब आ जाओ, मेरी सीढ़ी बढ़ते रहो। आप लोगों कभी आर्मी देखे, आर्मी लोग पहले क्या होते हैं, पहला वो एक साधारण सोल्जर होता है, जैसे जैसे वो युद्ध लड़ता है वो रहता है करता करता है वो कैप्टन बनता है, सूबेदार बनता है, फिर जाके मेजर वो बहुत बड़ा ओहदा बनता है, मिलता है उसको, उसके उसके जो छाती में जो सीने में सॉरी छाती ने सीने में उसके तंबू जड़े रहते हैं, बराबर है क्या? नहीं, बड़े बड़े मेडल्स लगे जाते हैं, जब वो जो सैनिक खड़ा रहता है भले वो मेजर हो वो खड़ा रहता है, ऐसा दिखता है कि ऐसा खड़ा रहता है,
कैसा खड़ा रहता है? और नहीं तंबू ज्यादा है तो और थोड़ा सा, भले वो पतला है वो तंबू ऐसा बढ़ा गया, ऐसा मेडल दिखाता है। हालेलुया, सही बात है क्या? नहीं तो मैं आत्मिक तंबू बढ़ा रहा क्या? नहीं है, मेरा इसमें भी मेरा आत्मिक तंबू बढ़ रहा है, तो मैं भी तो ऐसा चल रहा हूँ। शैतान देख रहा है, तू बोल तू कितना नाश करना है कर, मेरे को ध्यान नहीं है तेरा। मेरा तो तंबू यहाँ पे बढ़ रहा हूँ ताकि मैं जब यहाँ से निकलूँ प्रभु के पास जाऊँ, मैं उसके निकट में उसके गोद पे जाके सो जाऊँ। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु पे आप निर्भर रहते हैं, प्रभु पे आपका ध्यान रहता है ना, ये सब चीज़ का आपको कोई मायने नहीं रखता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जब बाइबल कहता है रोटी और कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान फ्री 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 फ्री, प्रभु कहता है। हालेलुया। वो आपको प्रज्ञा देता है, आपको ज्ञान देता है कैसा कमाने का है। हम आपको बताते हैं, हम जाते हैं अभी ये भी जाएगी, उसका दुकान बंद करेंगे 20-25 दिन, हम निकलते हैं। अभी सोचो महीने में 20-22 दिन हम बाहर रहेगा, इसका धंधा होना चाहिए क्या? अभी ये टेलरिंग का काम करती है मेरी वाइफ, बराबर है? टेलरिंग का काम बोले तो दुकान खुला रहना चाहिए क्या? नहीं, खुला रहेगा तो कस्टमर आएगा ना, बराबर है? तो ये हम महीने का 15-20 दिन हम बाहर रहते हैं, महीने का 10 दिन खाली दरवाजा दुकान खुला रहता है। ओके, तो अभी उसका ध्यान किधर रहना चाहिए? दुकान पे रहना चाहिए। पर अभी उसका ध्यान किधर रहता है? मैं उसको बोलता चले 15 दिन जाने का है, तो बोलेगा 2 दिन देना, 5 दिन देना, मेरे को जो है काम है कंप्लीट करना है, चलो हम चले। अभी हम सोचेंगे अरे ये सीजन है, अभी दिवाली का सीजन था, दिवाली के सीजन में हम हरियाणा में थे, उससे पहले सीजन में और कहाँ पे थे। अभी वो सीजन के समय सबसे ज्यादा बिजनेस रहता है, टेलर का काम आप कर रहे हैं, आपको मालूम है। अभी मैं सीजन के समय मैं जा रहा है प्रचार करने, कस्टमर आएगा क्या? मुझे नुकसान तो होगा, पर मेरा ध्यान वो नुकसान पे रहना चाहिए क्या? मेरा ध्यान प्रभु पे रहना चाहिए। अरे नुकसान इधर हो गया पर मेरा वहां पे कितना फायदा, कितना फायदा। हालेलुया। अब प्रभु एक बात बताता हूँ, अगर आपको लगता है ना ये संसार में आपका नुकसान होता है, नुकसान होता नहीं है, नुकसान थोड़ा भी नहीं होता। अगर मैं मेरे जीवन में ये 18 साल में मैं देख रहा हूँ, अरे मेरा भाई भी वहाँ पे गवाह है, उसने भी देखा है मैं कैसा आइएगा, उसका भी उसने देखा है मेरा प्रोग्रेस कैसा है। 18 साल से मैं देख रहा हूँ ना, मेरा जो ग्राफ था ना, जो इधर से गया अभी इतना ऊपर आया, और मेरा ग्राफ ना ऐसा है, ऐसा कभी नहीं गया। तो भले मेरा नुकसान हुआ, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्यों? मुझे वचन का याद है और मैंने लिस्ट करके रखा है, भाई 7 गुना मुझे मिलना है, तो मेरा ध्यान वो 7 गुना में रहेगा, लिख के रखा है, प्रभु को बोल दिया है, प्रभु आपको पता है, मुझे बार बार याद दिलाना नहीं है, आप कहां से लाके देगा वो मेरा ध्यान, मुझे परवाह नहीं है, मुझे पता है जब आप न्यायाधीश है आप मुझे न्याय दिला देगा, और ये मुझे मिलना ही मिलना है, वो शैतान का बाप दे देगा मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे मिल गया है, मेरे उसके लिए मेरा ध्यान उस पर रहता ही नहीं है, मेरा ध्यान है प्रभु का राज्य बढ़ाना है, क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूं। मेरा ध्यान है प्रभु के योजना के बारे में जानना, मेरा ध्यान है मेरे बच्चों को सिखाना, उसको बताना। हर बार मैं जाता हूँ मेरे बच्चों को, मैं बार बार एक ही चीज़ याद दिलाता हूँ, भले तू डॉक्टर हो, तू इंजीनियर हो, तू आईटी हो, ऑफिसर हो, सीए बन, मुझे कोई परवाह नहीं, सब अच्छा है, और तुम लोग जाके प्रचार करना सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं हर पल उन लोगों को याद दिलाता हूँ, हर पल, और उन लोग देख भी रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि हम रहते नहीं हैं। अभी जैसा आज गया मैं, कोई कुछ का समस्या था, हम गए, जाके आया घर पे, जाया खजे, सिर्फ खाना खा लिया, बच्चों को हाय बोल दिया, वैसे ही निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था दिन भर। मेरा भाई था, जनरेटर खराब हो गया, वो गया, कंप्यूटर बंद था, टीवी बंद था, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लाइट ही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। भाई ने भी अपने भाई, वो तो अपना समस्या में अकेला करेगा अभी क्या, कोई बात नहीं, पर प्रभु है, हम तो नाराज नहीं है भाई, मुझे मेरा काम करना है, उसे अपना काम करना है। हुआ नहीं रिकॉर्डिंग हुआ तो क्या हुआ? अगर 4 आदमी जो है यहाँ पे 50 लोग जो बैठे हैं यहाँ पर जो सुन रहे, हमें पता नहीं कौन है दूसरा संत पॉल। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं बहुत जगह पे, ऐसा होता है ना रिकॉर्डिंग में कुछ होता है, आपको बताता हूँ। पिछले बार हम हरियाणा गए,
हरियाणा गए, रिकॉर्डिंग किए, रिकॉर्डिंग करते समय ये जो वायर है वो बच्चे खेलते खेलते दूसरे दिन में उन्होंने रिकॉर्डिंग का वो कैमरा का वो बटन चेंज कर दिया और हमने पूरा 8-10 दिन का रिकॉर्डिंग किया। प्रभु ने बहुत ही अच्छे उदाहरण जो ये जो प्रचार हुआ था बहुत ही अलग हो गया, अनोखा था, मज़ा भी आ रहा था। वहाँ पर जब हम जाके रिकॉर्डिंग को लाइव यूट्यूब में डालने गए तो सब रिकॉर्डिंग वॉइस ही नहीं है, तो हम एक मिनट के लिए बहुत अपसेट हुआ। हालेलुया, बहुत अपसेट हो, मैं 2-3 दिन के लिए मैं अपसेट था क्योंकि प्रभु ने जो प्रचार जो था, एक सिस्टर तो ऑडियो केयर के लिए है, तो मैंने जो वहाँ पे जो चर्च है वहाँ पे उनको कहा कि जो तुम लोग ने ऑडियो किया है वो रख दो क्योंकि वीडियो खराब हुआ है। हमारे पास जो यूट्यूब का टीचिंग था वो सब खराब हो गया है क्योंकि ऑडियो ही नहीं है उसमें। हालेलुया, हालेलुया। फिर मुझे ध्यान आया, जब हम प्रभु को मैं ध्यान दे रहा था, मैं थोड़ा सा उदास था क्योंकि इतना रिकॉर्डिंग हुआ और उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग सब फ्लॉप हो गया, ऑडियो नहीं आया। पर बाद में हम जैसे मैं स्तुति करने लगा प्रभु के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो मैं वही सोचा यहाँ पर वहाँ पर 70-80 लोग जो थे, हम जो उनको प्रचार कर रहे थे वहाँ पर जो हिंदू भाई बहन थे, हालेलुया हालेलुया, और उनके जो आँखें जो उनका ध्यान था ना, जो हिसाब से उन लोग सुन रहे थे ना, एक भी ऐसा नहीं क्या आए सवेरे से जो शाम को है सब खेतीबाड़ी का काम करते हुए आके इधर बैठते हैं। हालेलुया, और इतना ध्यान से सुन रहे थे कि उन लोग अगर उसमें से कोई एक दो संत पोल निकल गया तो हुआ क्या नहीं मेरा पैसा वसूल। हालेलुया, तो हमारा ध्यान जब मैं वो सब जब प्रभु मुझे बताने लगा, मैं बोला कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट वचन जो है सही लोगों को तो गया। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, पर क्या हमें पता है प्रभु का योजना हमारे जीवन में, क्या हमारा रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा है, क्या सही मानना में हम बनिया है। अगर संत पौलुस जो बोलता है रोमन्स को, बोलते हैं आई अपील टू यू बाय द मर्सीज ऑफ गॉड टू प्रेजेंट योर सेल्फ, जो बोलते हैं तुम्हारा शरीर एक जिंदा अ लिविंग क्या वो लिखा है, अ लिविंग सैक्रिफाइस। हिंदी में आप पढ़ोगे तो बहुत अलग लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ वन वन वन, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया। क्या परमेश्वर हमें दया देने वाले है क्या, दे दिया है परमेश्वर का दया हो गया है क्या, नहीं हाँ बराबर है क्या, नहीं तो अभी हम लोग अभी भी क्या बोल रहे हैं, हम पापी है। प्रभु यीशु ने 2023 साल पहले, फिर से बोलता, प्रभु यीशु ने 2023 साल पहले हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के पाप, श्राप, पीड़ा, काला जादू जो भी हमारे खिलाफ था, हमारे लिए था, उसने वो क्रूस पे ले लिया है। हालेलुया हालेलुया। ये जो मेरी बहन है ये हिंदू है, ये मुझे कॉल करती है और ये मेरा अरेंजमेंट कर रहे है कलकत्ता के लिए, सॉरी मैं इसका फ़ोन काट रहा हूँ। हालेलुया। और उनको जब पता चला, हम तो जा रहे थे कलकत्ता के दूसरे ओर, तो उनको जब पता चला मैं वहाँ पे आ रहा, तो उसको हमारे कोई दूसरे बहन ने हमारा नंबर दिया, तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हम आए उनके यहाँ पर, हम उनके यहाँ पर आए और आकर प्रचार करें। इतनी भूख है, इतनी भूख, बोलते ब्रदर हमारे पास अभी, मैं आप क्योंकि आखिरी मोमेंट में आ रहे तो हमारे पास बड़ा क्राउड नहीं है, तो हमने उनसे कहा सिस्टर अगर आप अकेले भी है ना तो मैं आऊँगा वहाँ पर और आपको प्रचार करूँगा, हमको उसका परवाह नहीं है क्या, मुझे हज़ारों का क्राउड मांगता है, लाखों का क्राउड मांगता है, हज़ारों का तादाद में आके प्रचार करेगा, अगर मैं एक को भी प्रचार कर सकता हूँ और वो संत पॉल निकल जावे तो मेरा तो हो गया ना काम। मुझे याद है जब लॉकडाउन से पहले हम 2019 में ना हम कलकत्ता जा 18 में हमें एक भाई का फ़ोन आया था,
तो हमें एक भाई का फ़ोन आया था कलकत्ता से, ओके, और उसकी बीवी बीमार थी, हालेलुया, उसकी बीमार बीवी बीमार थी, वो चल नहीं पा रही थी, और हमारी जो बहन है, एक बहन थी, उसने कहा क्या ब्रदर आप आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं क्या, हम जाएंगे क्या वहाँ पे कलकत्ता में, वो एक जो बहन है उसको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, हम जाके वहाँ पे सुसमाचार देंगे और प्रभु वहाँ पे कार्य करेंगे। अभी एक फैमिली बोले तो हस्बैंड वाइफ और तीन बच्चे, एक परिवार के लिए हम तीन जान गए, फ्लाइट से गए, वो भी अर्जेंट फ्लाइट से, हालेलुया, तीन लोग, पांच परिवार के पांच सदस्य के लिए हम तीन लोग दो दिन के लिए वहाँ पर जाके आए, ओके। जब हम पहुँचे वहाँ पे कुछ 12 बजे क्या 12:30 बजे रात को पहुँचे, हालेलुया, और वहाँ पे हमने प्रचार किया और गवाही दी, और वो सिस्टर चलने को लगे रात को 1:30 बजे, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हमने वो पूरा परिवार को प्रभु यीशु दे दिया, हाँ, उन्होंने प्रभु यीशु का स्वीकार कर लिया, हम आए, उसके बाद हमें कलकत्ता का दरवाज़ा खुल गया, हम कलकत्ता गए, खड़गपुर गए, CKP जो ओडिशा का जो बेल्ट है, वहाँ पे जो मॉयज का बेल्ट है, वहाँ पे हमारे लिए आमंत्रण मिला आने वाके आकर प्रचार करने के लिए, तो वहाँ से हमें दरवाज़ा खुल गया। एक फैमिली के लिए हमने जब हमने अपना विलिंगनेस दिखाया, वहाँ पे प्रभु ने इतना बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। हमें वो भी याद है कि हम 2 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में एक बहन ने हमें बुलाया, तो बोले ब्रदर आप आ सकते हैं क्या हमारे चर्च में, तो बोले कोई बात नहीं हम आ जाएंगे। जब हम गए तो हमें पता नहीं वो कहाँ लेके जाएगी, क्या है, क्या शेड्यूल है, तो हम तो रेडी हो गए, कितना दिन के लिए सिस्टर हम आए, तो हमारे पास समय था, तो हमने कहा कि हम 15 दिन आपके लिए आते हैं, वहाँ पर 15 दिन आके आ सकते, तो हम 15 दिन का टिकट 15 बोले, तो 15 दिन वहाँ पे रहना, 2 दिन आना 2 दिन जाना है, बराबर है, तो तकरीबन 20 दिन का हमारा शेड्यूल था। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो सिस्टर ने अरेंजमेंट किया, बस कुछ 10-15 दिन में हमारा अरेंजमेंट हुआ था। वहाँ पे उन्होंने जो हमारा 4-5 चर्चेस के लिए हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया, हर चर्च में 3-5 पैरिश के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, हम हर पैरिश में 3-3 दिन वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। फिर 3 महीने के बाद फिर हमें बुलाया, फिर और पैरिश में और 5 पैरिश के लिए, और गांव में पैरिश भी जा रहे थे, शाम के समय हम गांव में जाके, गांव खेड़े में, जंगल में जाके प्रचार कर रहे थे। फिर 3 महीने के बाद हमें फिर से बुलाया, फिर हम गए, तो हमें कुछ पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे रहने वाले, कैसे रहने वाले, और बता रहा हूँ हम जहाँ पे रहिए बहुत तकलीफ भी था, ऐसा नहीं क्या बहुत आसान था, ऐसा एक ऐसा सिचुएशन था वहाँ पे, गांव में गए तो सबसे पहले तो वॉशरूम होता नहीं है, पता है ना, ओपन रहता है, बराबर है, तो उन्होंने हमको पूछा क्या भाई ऐसा रहेगा चलेगा क्या, अब बोला अगर आप लोग जाते हैं ओपन इसमें जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वहाँ पे नहाने के लिए भी क्या है, छोटी सी ऐसा बाथरूम रहता है, खुला बाथरूम रहता है, तो आप लोग जाके नहा पाओगे क्या, हम तो जाके नदी में नहाते हैं, तो बोले अगर आप लोग नदी में नहाते तो हम क्यों नहीं नहा सकते, हम सवेरे उठ के ठंडे पानी में जाके नदी में जाके नहा रहे थे, हालेलुया हालेलुया। और जो बोलता हूँ ना, जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, जब उनके साथ रहते हैं, वो जो देखते हैं हमें, उनका हृदय में परिवर्तन आते हैं। अगर मैं जाऊं वहाँ पर बड़ा प्रीचर बनकर और मैं अपना रोप से जाऊं, तो वहाँ पे कुछ बदलने आएगा, वो बदलेंगे नहीं, वो वर्ड खाली शब्दों में परमेश्वर का वचन दे के आने से कुछ बदलने आता है, हमारा एक्शन भी दिखा जाता है। वो यहाँ पे जो खा रहे थे ब्रदर आप लोग, जो दाल है, हम जा रहे थे गरीब से गरीब खाने में, उन हमें बुला रहे थे गरीब से गरीब घर में, वहाँ पे हमको जो रोटी दाल चावल जो देते थे, ब्रदर आप लोग को ये चलेगा क्या, मैं बोला इससे अच्छा खाना तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो शुद्ध खाना है, बम्बई में जो हम खाते हैं दाल चावल वो तो केमिकल का है, ये तो आपका दाल चावल तो बहुत अच्छा है। हम तो उनकी तारीफ कर रहे थे, पानी में जो बोलते पानी चलेगा क्या आपको, तो मैं बोला अगर आप लोग पीते आपको कुछ नहीं होता तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई उधर फिल्टर विल्टर का पानी नहीं पी रहे थे, जो वो पी रहे हम भी वही पी रहे, हालेलुया। जब हमें देखते थे हमारा जो रहन सहन, वहाँ पे जब हम गए 1-2 जगह पे हम गए, वहाँ पे हमें सही तरीके से स्वीकार नहीं किया गया, तो कोई बात नहीं, हमने कोई नाराजगी नहीं किया, जो हमको रहने को दिए हम रहे, वहाँ पर पूरा मच्छर से भरा हुआ। अभी जो आप खेती में जाओगे ऐसे जगह पे जाओगे, वहाँ पे
दिन में प्रचार कर रहे थे, रात को मैं मच्छर ही मार रहा था। और जब मच्छर मार रहा था दूसरे दिन देख रहे थे, हाथ में तो दिख भी तो रहा है ना मच्छर काटा हुआ, हालेलुया हालेलुया। पर जो बहन थी वो रो रही थी मेरे को देख के, तो बोला तू क्यों रो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बम्बई में भी बहुत मच्छर है, हम लोग मच्छर देखा है, उसमें कोई फर्क ही नहीं गिरते हमको। पर जो आनंद था ना उनके साथ रहने में, उनके साथ खाने में, उनको प्रचार करने में, वो मज़ा ना आप बोलते हैं ना, ये शहर में नहीं है, ये चर्चेज में, जो हमारे जो रोमन कैथलिक चर्चेज में हम आते हैं यहाँ पे प्रचार आते हैं क्रिस्ती, पर उसमें कोई ऐसा बोलता है ना ऐसा दिल नहीं है क्या भाई इनके, मुझे कुछ करना है। पर अगर मैं जाऊँ उनको जाके प्रचार करूँ ना, दूसरे दिन तैयार होते ब्रदर हमको भी आना है, हम भी आएंगे। अरे 30-30, 40-40 किलोमीटर आते हैं उन लोग, कैसे कैसे वाहन से आते हैं हमको पता नहीं। हम जब जाते हैं ना गांव में, वो गांव इतना दूर है, लोग आते हैं 8-8, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर चल के हुए प्रचार सुनने के लिए, चलते हुए अपने बच्चों को लेके आते हैं गोद में उठाए। जब हम उनको देखते हैं तो उनके उनके हिसाब से हमारा कोई भी नहीं है तकलीफ। और जब उनको देखते हैं, जब उनको सुसमाचार मिलते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन देखते हैं, उनको चंगाई मिलती है, वो सबसे बड़ा तोहफा होता है हमारे लिए। हालेलुया हालेलुया, ये सबसे बड़ा आनंद का ये हालेलुया। वो जब बोलता है ना, जो माँ जो है लेबर में, जो अभी यहाँ पे बहुत सारे माताएं है, सब गर्भवती होते हैं क्या नहीं अभी, और 9 महीना 9 दिन का डिलीवरी बहुत तकलीफ है क्या नहीं? बहुत तकलीफ था, सबसे ज़्यादा तकलीफ कभी होता है, और लास्ट दिन के लिए जब वो डिलीवरी होना है, लेबर पेन के दिन है। तो लेबर पेन के समय में वो जो माँ है ना, वो जीवन और मृत्यु के दौर में रहती है, दरवाजे पे रहती है, सही है क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। वो दौर से जाती है, पर जब वो दर्द से वो निकलती है और बच्चा जब बाहर आता है और उसके गोद में आ जाता है, वो सारा दर्द उसका गायब हो जाता है उसी समय। वैसे ही हम जाते हैं, तकलीफ आता है हमें, तकलीफ आता है, ऐसा नहीं कहा नहीं तकलीफ आया। और ऐसा आप अगर आप लोग प्रचार करने को जाओगे तो आप सोचो ना क्या भाई, आपको रॉयल होटल में आके आप मिलेगा, और कभी आप उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सही में दिल से अगर आपको काम करना है तो जो भी प्रभु देता है खुशी से जाना है, लेना है। जो हमारी बहन जो मराठी रिट्रीट में आके तो पहले दिन प्रचार कर रही थी, बोला बताया ना वो ब्राह्मण है, हालेलुया, और उसको वहाँ पे लेके गए हम, और वहाँ पे वो बीमार हो गई। दूसरा दिन उसको जो बनाया, वो हमारे जो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे जो घर है, बीच में आग का एक छोटा सा ये रहते है बॉनफायर जैसा, और उसमें वो खाना पकाते हैं उन लोग। तो वो दूसरे दिन जब उसको खाना नहीं होगा, दूसरे दिन वो बोला उसको हिरन का खाना, जो बताया ना हिरन का खाना, उसको हिरन का मटन दे दिया, तो वो खाई नहीं। तो दूसरे दिन बोला वो चिकन बना के देगी, तो थोड़ा खुश हो गया, बोले चिकन तो मिलेगा, तो चिकन मिलेगा बोले उसने लेके आया, जिंदा मुर्गी लिया और काट दिया, उसके सीधा मुंडी काट दिया और आग पे रख दिया, और ऐसे छोड़ दिया, मुर्गी उठ के भाग रहा है और खून इधर उधर, ये भी भाग रही। हालेलुया हालेलुया। पर उस दौरान अगर उस समस्या में भी वो बिटिया जो है ना हमारी, वहाँ पर जाके बिना कोई कंप्लेन का जाके प्रचार कर रही थी। उसका मैंने देखा उसकी हालत क्या थी, उसको जो मच्छर काटे, उसे जो कीड़े काटे, उसके पैर जैसे इतने मोटे हो गए थे, चल नहीं पा रही थी वो, पर कभी उसने कंप्लेन नहीं किया। वो बीमार थी, उठ नहीं रही थी, उठ नहीं पा रही थी, मैं प्रे किया उसके ऊपर और वो सीधी हो गए, जाके प्रचार कर लिया। तकलीफ थी उसके वो, पर कभी नहीं उसने बताया कि मुझे तकलीफ है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप घर पे रहोगे तो आपको लगता है आपको तकलीफ नहीं आएगा? अगर यहाँ से आप घर जाते हो, आपको गारंटी है कि आप लोग सुरक्षित जाओगे? नहीं ना। तो क्या सोचना और किस बात का सोचना? अरे आप जब कार्य कर रहे हो प्रभु के लिए कर रहे हो, तो सोचना क्या है? प्रभु को पता नहीं है कि हमें सुरक्षा रखने के, सुरक्षित रखने के लिए प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर है। आप एक कदम बढ़ाओ, देखो प्रभु क्या राह दिखाता है। अरे मेरे जैसे हकले को प्रभु आज इस्तेमाल करता है, मुझे हंसी आता है कभी कभी, मेरी हिंदी शुद्ध नहीं है, मेरी इंग्लिश भी शुद्ध नहीं है, और प्रभु अभी ले रहे हैं और बोलते हैं मराठी प्रचार कर। मेरी मराठी तो एकदम सही बताऊं, पर तभी प्रचार अच्छा हो रहा था,
मुझे पता नहीं, प्रभु बोल रहे तू जा उधर प्रचार कर, मैं तो तैयार हूँ, प्रभु आप देख लेना भाई, मैं तो खड़ा रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु स्वयं इधर आके कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें वो इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है, क्या आप लोग विलिंग है? प्रभु की योजना हमारे जीवन में बहुत है, बहुत ही अच्छा है। जैसा मैंने उदाहरण दिया, वो जो रईस आदमी बहुत पैसा कमाता है, फिर वो क्या करता है, जब वो कमा के रखा है दूसरा दिन बीमारियों के पीछे डालता है, डॉक्टरों के पीछे डालता है। उससे अच्छा तो मैं नहीं कमाऊँ ना, मैं प्रभु पे निर्भर रहूँ, कभी बीमारी नहीं रहूँगा। ये जो इंसान है यहाँ पे, ये 20 साल पहला ये आदमी खाली उबला हुआ सब्जी खा सकता था, कुछ दूसरा नहीं, क्योंकि मेरा तो लिवर जो है सूजा हुआ था, जॉन्डिस हुआ 3 बार, मलेरिया हुआ, निमोनिया हुआ, मेरी तो हालत खराब थी एकदम। पर जिस दिन मुझे प्रभु का वचन मिला और मैं प्रभु के वचन में खड़ा रह गया, मैं देख रहा हूँ, मैं जो भी मुझे मिलता है खाता पीता हूँ, कोई फर्क नहीं। मैं दिन में बहुत चाय पीता हूँ, सब बोलते हैं ब्रदर इतना चाय पीता हूँ तुम्हें एसिडिटी हो गया। अरे क्या एसिडिटी हो गया, मेरा प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं खाता पीता मस्त रहता हूँ और मस्त जाके सोता हूँ, जिस दिन थक जाता हूँ एकदम मस्त, पता नहीं 4-5 घंटे के बाद प्रभु उठा लेते हैं, अरे उठ जा बेटा, अरे दिखता, अरे धन्यवाद प्रभु नया दिन, चलो और नया मिशन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए आप रेडी रह जाओ, प्रभु आपको हर एक चीज में, प्रभु आपको हर एक कार्य में प्रभु आपको सफलताएं देगा। मैं खुद यहाँ पे हूँ, जो कंगाल लाखों का कर्जा में था, आज प्रभु ने मुझे अधिक से ज्यादा दिया है। मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि प्रभु ने ये मेरे लिए आज किया। और मैं तो अभी मानता हूँ कि ये तो मेरे लिए शुरुआत है, बस शुरुआत ही है, प्रभु मुझे प्रमोशन पर प्रमोशन दे देगा। और मैं अभी छोटा मिनिस्ट्री नहीं देख रहा हूँ, मैं मेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी देख रहे हो अभी, मैं यहाँ पर नहीं, क्योंकि हम इंटरनेशनली भी जा रहे हैं, तो प्रभु का मिनिस्ट्री, मैं प्रभु मुझे हमें बहुत अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर रहा है अभी। तो अगर प्रभु मेरे जैसों को इस्तेमाल कर सकते हो, हकले को, आप लोग तो मेरे से बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपकी हाँ, आपकी तैयारी। गलतियाँ हो जाएगी, उसमें क्या है, आपको लगता है ना दाऊद जो बाइबल में सबसे बड़ा पुस्तक है वो लिखा किसने, दाऊद राजा ने, सही है क्या नहीं? तो दाऊद क्या शुद्ध था, कितनी गलतियाँ किया है, पर सबसे अच्छी बात दाऊद का है ना, वो नम्र होता था, वो हम्बल होता था। जब आप नम्र हो गए प्रभु आपको उठा लेता है। मैं भी वही सीखता हूँ, प्रभु मैं गलतियाँ करता हर पल, मेरे शब्दों में कभी कभी गलतियाँ होता हूँ, कुछ नहीं है, पर जब मैं प्रभु के दीन होता हूँ, प्रभु के चरणों के नीचे जाता हूँ, कदम के नीचे जाता हूँ और नम्र हो जाता है, प्रभु मुझे नया जगह लेके आता है, प्रभु मुझे उठा लेता है, चल आज तेरे को उधर लेके जाना है, आज तेरे को वहाँ जाना है, चल आज इधर आके प्रचार कर ले, आज एक तेरे को काम करना है। इसके लिए हम कोई शर्म नहीं करते। मैं देखता हूँ हमारे भाई जो बहन है यहाँ पर है, आते हैं काम करते हैं, उनको भी कभी कभी सुनने को, देखो वहाँ पे कुर्सी उठा रही है, उसको मैं बोलता हूँ अरे सिस्टर तुमने सुना क्या प्रचार, अब बोलता है ब्रदर बहुत साफ सुन रहे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, सब क्लियर सुनने को आ रही है, सबके लिए खाना बना रहे हो, हमारे भाई उधर खाना बना रहे, मैं यहाँ पे खाली प्रचार करता हूँ और अच्छे अच्छे खाना खिला रहे हैं मुझे, ब्रदर कुछ मांगता है क्या, कुछ मांगता है, बोला जो आप लोग खिलाते हैं इनको मुझे भी खिला दो यार, बहुत हो गया। हम तो यहाँ पे आराम से आते हैं, प्रचार करते हैं, जाते हैं, वहाँ पे मेहनत इन लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, पर बोलते हैं ना बैक ऑफ द सीन बिहाइंड स्टेज, ये सब भाई बहन हमारे काम करते हैं, ये जो हमारे भाई इतने तकलीफ में है, पर वो कभी उसको बोलेगा हंसता खेलता रहेगा। जब आप प्रभु को, प्रभु के लिए अपना जीवन देते हो, प्रभु अपना जीवन में बदल लाता है, अपने परिवार के जीवन में बदल लाता है। अधिक से अधिक समय आप प्रभु के लिए दे दीजिए। परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। एक कदम बढ़ा दो प्रभु के लिए, देखो 99 कदम कैसा होता है।
प्रभु एकदम सरल बना देगा। अगर आप गलत राह पे भी जाएगा ना, वहां से मोड़ के प्रभु आपको सही रास्ते पे, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत बार टेढ़े मेढ़े कभी कभी गलतियां होते हैं क्या ना, हाँ भाई ये सही जगह पे मैं गया, वहां से मोड़ के मैं प्रभु लेके आता है सही जगह पे, चल तू आज यहाँ पे आ जा। मैंने गलतियां किया, मैं अभी भी करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं, मैं खुद से परफेक्ट नहीं हूं, पर जो मेरे अंदर है वो परफेक्ट है। प्रभु के योजना के अनुसार आप चलो। आगे पढ़िए सिस्टर। हाँ हाँ वो पढ़िए ना। इसलिए है भाइयों, यहाँ पे एक बात अच्छा लगा, संत पॉल ने सिर्फ भाइयों को बोला है, सिस्टर लोग को छुट्टी है, सिस्टर लोग को बोला नहीं है। तो आप लोग घर पे बैठ सकते हैं, बच्चों को देखभाल कर सकते हैं, परिवार संभाल सकते हैं, बराबर है क्या नहीं? यहाँ पे संत पॉल ने भाइयों को बोला है, किसको बोला है? सबको बोला है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों और बहनों तैयार रहो, प्रभु ने आप लोग को सबको चुना है, और प्रभु की योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे समस्या आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा, अरे आप बोलोगे ब्रदर आपका तो अभी बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चे छोटे थे ना तभी हम छोड़ के गए जा रहे थे, मेरे बच्चे छोटे रहने से कभी तस से मस नहीं किया, कभी कंप्लेंट नहीं किया, हमको छोड़ के जाके प्रचार कर। मेरी बीवी मेरे साथ आती है, चल तू साथ में चल प्रचार करने का, हम मेरी बेटियाँ जो छोटेपन से, आप उनको छोड़े, मम्मी के मेरे मम्मी है देखभाल करती है उन लोगों, उनको बोला तो हम पे निर्भर मत रहना, तुम हर पल प्रभु पे निर्भर रहना। और मैंने देखा जब उन लोग परमेश्वर पे निर्भर रख, हर एक चीज़ पे वे अव्वल आ रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे रहता था तो मैं क्या करता था, मैं उनको बोलते ना लल्ला पुत्ता बोलते हैं ना, नको करू नको करो, जा भाई तू जा बिंदास, मैं तो सीधा बोलता रिस्क ले, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, अरे हम एग्जाम के समय उनके साथ नहीं थे, दसवीं का परीक्षा हमारे बच्चे थे, उस समय हम जाके प्रचार कर रहे थे, हम पर पूछे उनको, भाई हम जा सकते क्या नहीं, बच्चे हम जा सकते क्या नहीं, बोले जाओ बाबा, पिताजी आप जाओ, मम्मी आप जा सकते हो। उनको पता है कि इन लोग घूमने के लिए नहीं जा रहे, टाइम पास करने के लिए नहीं जा रहे, कोई कार्य है वो करने के लिए जा रहे हैं, और वो देखते हैं क्योंकि हम बताते हैं उनको ये हुआ वो हुआ, और हम उनको यही सबक सिखाते हैं, क्योंकि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम्हें भी यही करना है। अगर मैं आके घर पे बैठूंगा, मेरे बच्चों का देखभाल तो करना है बच्चों का, मैं उनके बीच में रहूंगा तो ये बच्चे भी वैसे ही करेंगे, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको भी जाना है, हम हमारे नीचे नहीं रहना है, आपको भी आपका मिनिस्ट्री बढ़ाना है। जब आप वैसे करोगे तो आपके जीवन में बदल आएगा, जब आप ऐसे करोगे आपके बच्चों के जीवन में बदल आएगा, उनमें हिम्मत आएगी। नहीं तो आप क्या करोगे ना, बच्चों को एक को बोलते हैं ना वो कवच में डाल दोगे, और सबसे पहला वो डर के कवच में डाल दोगे। हमने वो डर का कोई वो बोलते हैं ना डर शब्द उनके मन से निकाल ही दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा शैतान, तकलीफ ही देगा ना, पर उसका हमको चिंता नहीं है। मुझे 100% पता है कि यहाँ से प्रभु का उन लोगों का बहुत बड़ा कार्य है। हालेलुया, हमारे बच्चे हमने उनको छोटे उम्र से दिक्कत सिखाया, जो भी तुम्हें मिलता है तो उसका दशांश तुम्हें देना है, जो हम उनको पॉकेट मनी भी देते हैं तो उन लोग निकालते हैं और जाके दशांश देते हैं, क्योंकि उनको हमने प्रिपेयर किया, हमने तैयार किया है, ये तुम्हें करना है, ये जो आप सिखाते हो वही वो सीखेंगे। तो तुमको पता है बच्चों का रोल मॉडल कौन होता है, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, या उनके माता पिता, कौन होता है? वो बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं और वो बड़े होते हैं, सीखते हैं अच्छा बुरा, यही हम सिखाना है हमें। जब मुझे ये समझ आया तो मैं बोला यहाँ पे रुकना नहीं है, बच्चों का देखभाल है, हाँ उनका जिम्मेदारी, उनका जो घर खर्च है मेरा, उनको पढ़ाई का सब कुछ मेरे प्रभु ने मुझे प्रोवाइड किया है, प्रभु ने मुझे वो प्रज्ञा दिया है कैसा उनके लिए देखभाल करना है, उनके लिए फाइनेंशियली पूरा खर्चा कैसा निकालना है, वो सब हम करते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, प्रभु के दया से सब कुछ अच्छा है, अधिक से ज़्यादा है। और इतना तक जब लॉकडाउन में हमारे पास
आमदनी नहीं था, हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, प्रभु ने यहाँ वहाँ से लोगों को बेच के हमारे बच्चों का भी पूरा फीस वीस का देखभाल कर दिया। खाने का ऐसा था, वसे में थे, हम सस्ते से सस्ता खाना था। ब्रदर पापलेट कैसा किलो दिया था याद है ना, बराबर है कि नहीं? इतने बड़े बड़े पापलेट 200 के 300 रुपए किलो में हमको खिलाए, वसे में हम खाए। सब्जी 5 रुपए 10 रुपए का सब्जी, चावल जो है सस्ते से सस्ता 28 रुपए किलो चावल खाए। हालेलुया, कोई चीज की कमी नहीं थी हमारे घर में। हालेलुया, प्रभु है हमारे साथ। सबसे पहले आपको जानना है क्या आप प्रभु के साथ हैं? क्या आप प्रभु के साथ हैं? प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है, पर क्या आप जानते हैं प्रभु का योजना आपके जीवन में? क्या आप जानना चाहते हैं? हम सब बोलते हैं हम क्रिस्ती है, पर क्रिस्ती का मतलब क्या है? क्राइस्ट इन मी, प्रभु, प्रभु परमेश्वर मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर, क्राइस्ट इन मी। अगर प्रभु मेरे अंदर है तो मेरे साथ उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलीजन नहीं होना चाहिए। हालेलुया, अगर हम धन करने बैठेंगे तो ये होगा सब आपस में दुश्मनी। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हम कौन है? प्रेम के बच्चे। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक ही व्यवहार प्रेम का, एक ही नियम दिया है प्रेम, वो ही नहीं होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना हम कौन है, हमको पता नहीं हम कौन है, हम किसके बच्चे हैं। इसलिए जो हम सीख रहे हैं वही कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को जो सिखा रहे हैं वही बच्चे कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को प्रेम के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो उनका जीवन कैसा होगा? प्रेम के अनुसार होगा ना, परमेश्वर के अनुसार ही होगा ना। आया ना, आया ना। हम क्या सिखाते हैं? जलन, नफरत, गुस्सा, हिस्सा, यही है ना। हालेलुया, हालेलुया, एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना नहीं। प्रभु यीशु ने क्या किया? उसके शिष्यों के पैर धोए। हमको क्या करना है? हम प्रभु के शिष्य हैं ना, तो हमें क्या करना है? जाके सर्विस करना है। हालेलुया, जो आनंद प्रभु के सेवा में है ना, सेवा करने में, और किधर भी नहीं है। भले आपके पास करोड़ों रुपया रहेगा, अब जो रुपया रहेगा, अगर प्रभु नहीं है, जीरो। भले आपके पास पैसा नहीं है पर प्रभु है तो आप माला माल, सबसे सबसे बड़ा धनी। सही है क्या नहीं? तो क्या चाहिए? धन चाहिए क्या प्रभु चाहिए? अगर प्रभु है तो धन तो आपके पीछे ही आएगा ना, धन दौलत सब कुछ मिलेगा। पर हम किसके पीछे आते हैं? 8 घंटा 10 घंटे हम नौकरी पे देते हैं, पर 2 घंटा हम प्रभु के साथ नहीं दे बिता सकते। तो प्रभु क्या प्लान देते हैं हमको पता नहीं। जाता है कोलू के बेल के जैसे नौकरी करते करते, मैं भी कर ही रहा था, पर मुझे एक ना, मैं बताता, जब मैं विश्वासी भी नहीं था ना, तब मुझे एक कल्पना था कि प्रभु, मैं बोलता भी था, अपने आप से बोलता था, फिर शादी के बाद मैं मेरा वाइफ से भी बोलने लगा, मैं 30-35 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा। और तभी मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा, पर मैं एक ही बात बोलता, मैं 30-35 साल में रिटायर हो जाऊंगा। सही में 30 के उम्र में मैं रिटायर हो गया। बहुत चैलेंजेस आया, बहुत समस्या आया उसके बीच में, अब प्रभु ने, जब मैं प्रभु का वचन लेने लगा, प्रभु ने मुझे कहाँ से कहाँ ले गया। और मैं बोलता हूँ ना, ये सब शुरुआत है तरक्की का, सिर्फ शुरुआत है, मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूँ। आत्मिक रूप में प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया है, सब कुछ, खाली मुझे लेना है, सिर्फ लेना है। जैसे जैसे मैं प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार करता हूँ, प्रभु का राज्य बढ़ाता हूँ, प्रभु मेरे लिए कोई चीज़ की कमी रखेगा क्या? कोई नहीं यार। इतना बड़ा उदाहरण यहाँ पे देख रहा, कंगाल से मालामाल यहाँ पे है, इससे बड़ा और उदाहरण मैं और क्या दे दूँ? मेरा अपना खुद का गवाही, कंगाल से मालामाल, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मैं अपना समय प्रभु के साथ बिताता हूँ, दिन रात प्रभु के साथ में
बैठता हूँ, प्रभु के साथ मनन चिंतन करता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करता, प्रभु मुझे बताओ, आप मुझे बताओ आपका योजना मेरे जीवन में कैसा है, मुझे बताओ मैं कहाँ जाना चाहिए, मुझे बताओ मेरा कैसा मार्ग होना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए। अब प्रभु जो बताता है ना योजना, बहुत ही सुंदर होती। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए, मेरे को लगता है मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, स्टार्ट ही किया है, एक ही वचन पे पढ़े हैं। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या करता हूँ? संत पॉल विनती करता है, उसको क्या चीज़ की कमी थी? वो फेरिजियों का फेरिजी था, इतना पढ़ा लिखा था, पर वो रोमन्स को बोलता है, वो विनती कर रहा है, क्या तुम तुम्हारा जिंदा जो जीवन है ना, ये एक लिविंग सैक्रिफाइस, जिंदा क्या बोलते हैं उसमें, क्या लिखा है वो हिंदी में, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हूँ। इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में उल्टा अच्छा लिखा है। एनआईवी भी चलेगा। Therefore, I urge you, brothers and sisters, उसका मतलब उसने उस समय में संत पॉल में लिखा है, आज प्रभु के दया से ये बाइबल हमारे लिए लिखा है, उसका मतलब आज ही वो जो लिखा है ना प्रभु ने, ये हमारे लिए लिखा है, प्रभु हमसे निवेदन कर रहा है, बोल रहा है मैं अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो जीवन तू जी रहा है, अब तक तू जी रहा था, तेरा जीवन नास्तिक था, पर ये जो जीवन अच्छा जीवन जी, ये जो तुझे जब तक तेरा ये शरीर है, ये तेरा शरीर का इस्तेमाल होना है, ये शरीर जिस दिन तेरा ये शरीर खराब है तो क्या होगा, मिट्टी में जाना है, सही है कि नहीं? तो ये जो तुम्हारा ये जिंदा शरीर है, इसका इस्तेमाल करो, किसके लिए? परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल करो, अपने पिता के लिए इस्तेमाल करो, परम पिता के लिए, जो पापा गॉड बोलते हैं हम, प्रभु यीशु बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। हाँ, इन व्यू ऑफ गॉड्स, परमेश्वर के दया के अनुसार, हाँ, टू ऑफर योर बॉडी, जो बोले तो आपका जो शरीर है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करे। आगे, एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, क्या ये जिंदा आप सैक्रिफाइस हो गए? क्या आसान है ये जीवन में जीना है? अगर परमेश्वर के योजना के अनुसार आपको जीना है, आसान होगा? लिविंग सैक्रिफाइस बोल रहे हो, आसान नहीं है, पर संभव नहीं है, असंभव नहीं है, सबको संभव है, क्योंकि प्रभु अगर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, सृष्टि को रचने वाला आत्मा है जो आपके अंदर निवास करता है, तो क्या चीज का टेंशन लेते हो यार? किस चीज का टेंशन ले रहे हो? जो होना है हो जाएगा, उसका हो गया है, उसके ऊपर क्या ध्यान दे रहे हो? यहां से आपका जीवन कैसा बढ़ाना है, यहां से आपका जीवन कैसा जीना है, प्रभु बोल रहा है निकलो, चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा योजना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, यहां से आप देखो कैसा जीवन अच्छा बढ़ेगा, सुखदायी जीवन, अच्छा जीवन। आपका ध्यान यहां पे सांसारिक चीज पे है क्या, आत्मिक चीज पर है? आपका ध्यान ये पृथ्वी के लिए है क्या, आपका स्वर्गीय राज्य के लिए है? आप सोचो, प्रभु यीशु ने कहा मैं यहां से जाऊंगा तुम्हारे लिए एक मैंशन बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, मैंशन इज बंगला है क्या, पैलेस, पैलेस। तो मैं कल्पना करता हूँ, यहाँ पे प्रभु, यहाँ पे टू रूम हॉल किचन ही है, यहाँ पे छोटा ही है, मैं वो पैलेस देख रहा हूँ तो बहुत बड़ा है, और प्रभु बोलता मैंने तेरे लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा है, और मेरे बगल में ही है, तो सोचो ना, ओपन व्यू, यीशु मेरे बगल में ही, सही है कि नहीं? जैसे कि देखो, अभी जैसे आपके पास धन आएगा, आप क्या करेंगे? वैसे ही से बोरवली में फ्लैट लेंगे, बोरवली से अंधेरी, अंधेरी से बैंड्रा, फिर जाके कुलाबा, सबसे महंगा प्लॉट लेते हैं, बराबर है? करें वैसा मैं भी कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपना सीढ़ी बढ़ा रहा हूँ,
प्रभु के राज्य के लिए। मुझे पता है जब तक मेरा वो जर्नी फिनिश होगा ना, मैं प्रभु के बाजू में, सबसे महंगा स्थान, सबसे करीबी स्थान। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग कर रहे हैं वैसा? क्या ये आपको दिया गया है क्या? नहीं, सबको अपॉर्चुनिटी दिया है, मुझे भी दिया था, तो मैंने तो ये, मैंने ये निर्णय ले लिया भाई मैं आपके पीछे भागूंगा। हालेलुया। राजा के पीछे भागे हो तो राज्य सब उसका ही है। हम क्या करते हैं? राज्य के पीछे भागते हैं। नहीं भाई, राजा के पीछे भागो जो हमारे प्रभु है। हालेलुया। डू नॉट बी होली एंड प्लीजिंग टू गॉड। हाँ, दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। आगे ले लेना, नहीं तो डू नॉट बी कन्फर्म। हिंदी में कैसा है, क्या दिया? डू नॉट बी कन्फर्म। कन्फर्म बोले तो कैसा मालूम है? कभी आप लोग इडली बनाते हैं क्या? बराबर है। वो क्या करते हैं, जो ढाल है, जो बर्तन है, उसके ऊपर वो जैसा आटा डालते हैं और उसको पकाते हैं तो कैसा होता है वो? जैसा इडली का जो बर्तन है वो इस सब के आकार आते हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो हमारा जो, हम भी वैसे होना चाहिए, प्रभु के राज्य के इसमें ढला होना चाहिए। क्या हम उसमें ढलते हैं? क्या सांसारिक राज्य के हिसाब से ढलते हैं? जैसे हम वैसे ढलोगे तो वैसे बनेंगे ना, बराबर है ना? इडली का आटा देखा है क्या? नहीं। अगर आप कोई इडली के बर्तन में डालोगे तो कैसा होएगा? वाटी के आकार में होएगा। अगर आप गोल वाटी में आएगा तो गोल होएगा। अगर आप स्क्वायर बनाएगा बर्तन लोगे तो स्क्वायर ही होगा। वैसे अगर आप राज्य, आप परमेश्वर के राज्य के अनुसार आप ढाल दोगे तो आपके राज्य के अनुसार ही आपका होगा ना तरक्की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। कन्फर्म्ड बोले तो आप परमेश्वर के राज्य के अनुसार आपको ढलना है। हालेलुया, हालेलुया। बट यू बी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब कैसा मालूम है? आपने अभी, आपने कभी तितली देखा है कि नहीं? तितली देखा है कि नहीं? क्योंकि मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर हुआ। तितली देखा है ना आपने? तो तितली कैसा है? सुंदर दिखती है कि नहीं? बहुत सुंदर है। पर तितली बनते है कैसा है, कभी देखा है क्या आपने? शुरुआत में क्या होती हो? कीड़े से ना, तो कीड़ा क्या करता है? पत्ते खाते 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 वो कीड़ा बड़ा होता है और बाद में वो क्या करती है? ककुन बनती है, बराबर है? अपने आप को वो कवर करते वो ढांचे पे जा जाती है, बराबर है? और वो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है उसका? फिर वो तितली बनकर आते हैं। तो हम भी पहले क्या थे? कीड़े के जैसे थे क्या? नहीं, बराबर है। हमारे भी जिंदगी ऐसी थी, कीड़े मकोड़ी की जिंदगी थी ना। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या हो रहा है अभी? जब परमेश्वर का वचन हमें मिला तो हम क्या कर रहे हैं? रोज हम वचन खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, और वो ढल रहे किस में? कल्पना में। मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में अच्छा है। अभी क्या हो रहा है? जो मोल है ना, मैं परमेश्वर का मोल के अनुसार मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में? जो कीड़े की जिंदगी, जो कीड़े मकोड़े की जिंदगी था, वो परिवर्तन हो रहा है और दिन भर दिन मैं सुंदर तितली बन के जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जहाँ भी जा रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं मुझे, उसको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अगर पहले मेरी जिंदगी, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं कीड़े की जिंदगी जी रहा था, क्या बोल रहा था? अरे ये ऐसा है, ये शराबी है, ये अय्याशी है, ये गलत काम कर रहा है, इसके 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 मुंह में शब्द सब गालियां थी, सब धिक्कार कर रहे थे, बराबर है। पर अभी क्या हो रहा है? अभी जो जो दोस्त है, अरे ये तो अभी प्रेज द लॉर्ड हो गया, ये तो अभी बड़ा प्रचारक हो गया, ये जा रहा है, कितना कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? जो कीड़े की जिंदगी जी रहे थे, वहां से प्रभु का वचन खाते 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 खाते, प्रभु के बारे में सोचते और ढलते हुए, जो उसके जो बोलते हैं ना, मोल में ढलते हुए, अभी क्या हो रहा है? तितली के जैसा हो रहा है और वो तितली के जैसा उड़ रहा हूँ। क्या हमें हमारी जिंदगी बदलना है? और ये हम अपने जिंदगी को कैसा बदल सकते हैं? एकदम ही सरल है। जैसे वो कीड़ा पत्ता खाते हुए मोटा होता है, वैसे हमें भी रोज परमेश्वर का वचन खाना चाहिए, दिन रात खाना चाहिए। वो कीड़े को देखा, थोड़ी देर नहीं खाता, खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। वैसे मुझे भी परमेश्वर का वचन लेना है, खाना है,
मनन चिंतन करना है, दिन भर बोलना है, दिन भर बोलना है, कल्पना करना है, मेरे माइंड को रिन्यू करना है। हालेलुया। मेरा माइंड कैसा रिन्यू होगा जब मैं पूरा सांसारिक जीवन में जी रहा हूं, सांसारिक चीजें कर रहा हूं, मेरा ध्यान किधर होगा? सांसारिक मोह माया में रहेगा ना, पर मेरा माइंड अभी क्या है? राज्य के बारे में जानना है, परमेश्वर के बारे में जानना है, स्वर्ग के बारे में जानना है, तो मैं क्या करूंगा? दिन भर बाइबल लूंगा, बाइबल का वचन लूंगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, स्तुति आराधना करूंगा, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को प्रज्ञा दूंगा, प्रभु मुझे समझाओ, ये वचन का ज्ञान दो, मुझे बताओ ये वचन का गहराई बताओ। तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एक वचन लेता हूँ, दिन भर रहता हूँ, नहीं समझा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, 10 दिन में लिया, जब तक वो वचन मुझे प्रभु नहीं सिखाएगा मैं आगे नहीं जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है। क्या आप लोग प्रभु के योजना के अनुसार जी रहे हैं या अपना योजना बना के रखे हैं वैसे जी रहे हैं? रोते आए हैं और रोते ही जाना है, समझ आ रहा है क्या? नहीं आए थे रोते ना, हंस के जाना है क्या? नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ, प्रभु यहाँ पे मेरा जर्नी कभी ख़त्म होता है ताकि मैं आपको आपके करीब आ जाऊँ। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं जाके खुदकुशी करूँ, वो नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे है, जब तक मैं यहाँ पे इस संसार में रहूँगा, मरना ना एक सेकंड लगेगा, मरने के लिए समय नहीं लगा, पर प्रभु के लिए जो मरना है ना, जीना है जो, वो तो बहुत तकलीफ का है, आसान नहीं है, हर कदम में आपको चुनौतियाँ है, हर कदम में चुनौतियाँ है, पर वो जो आनंद है ना, जो आप देखते हैं ना वो मेडल, जो मेजर के है, जो बोलते हैं ना चीफ के है, जो सीने में रहते हैं, वैसा रोज आपको एक एक मेडल लगता है, तो आप सोचो ना कितना बड़ा होता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो आपका ध्यान किधर है? प्रभु पे, प्रभु के राज्य में, क्या सांसारिक जीवन में? हालेलुया। आज कैसे है ब्रदर आप? एकदम फिट, पूरा साफ कर दिया प्रभु ने 3 दिन में एकदम, जो कचरा था, आप कल्पना करो ना, 45 बार आप मोशंस को गए हो यार, 45 बार पूरा शरीर का पानी निकल गया, अगर 10 बार कोई मोशन में जाएगा क्या हाल होगा? 45 ज़्यादा है ना फिर, और आप यहाँ पे बैठे हैं। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का लहू आपके अंदर है, और प्रभु आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु देख रहे हैं आपका भूख। हाँ बोलिए। हाँ मैंने देखा आपने इतना बड़ा मशीन उठा के लेके गया, कमर का ऑपरेशन होने के बाद कोई मशीन उठा सकते हैं? मैं कुछ नहीं उठा सकता था। हाँ और बैठ भी नहीं सकता था। हाँ चौथा दिन से आप बैठ रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप अपने जीवन अपने अनुसार जीना चाहते हैं क्या परमेश्वर के अनुसार जीना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और ये कैसे जिएंगे आप? वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। ये जो करारनामा दिया है, ये बाइबल दिया है हमें, ये विल ऑफ गॉड है, परमेश्वर की योजना है, ले लो, समय बिताओ। ऐसे नहीं कि बाइबल है एक ही दिन में समाप्त करना है, नहीं 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 नहीं, एक वचन लो, दो वचन लो, आराम से बैठो, उसका जूस निकालो, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे सिखाओ, समझाओ, इसको मुझे बताओ, बारीकियों में बताओ, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, और प्रभु जैसे मैं जानूंगा मुझे जाके दूसरों को सिखाना है। मेरी जीवन अभी अच्छी हो गई है, हम सबकी जीवन अच्छी हो गई ना, हमें उद्धार मिला है क्या? मिलने वाला है, मिला हुआ है, तो हमें कुछ टेंशन लेना है क्या? हमें उद्धार मिला है। अभी आप सोचो, आपके जो अड़ोस पड़ोस में हिंदू भाई बहन है, जो अविश्वासी है, उनको मिला है क्या? आप तो आज यहाँ से निकलेंगे, स्वर्ग में पहुँचेंगे, उनका क्या है? वहाँ वे कहाँ रहेंगे? उनकी क्या गलती है? गलती हमारी, हम तो चुने हुए हैं, प्रभु ने हमें चुना है, हमने हमें प्रभु ने स्वर्ग का ये दिया है, डायरेक्शन दिया है, हमें उद्धार दिया है, क्या हम अभी उनको देना है क्या? नहीं,
प्रचार करना है, क्या हम शर्म रहे? हालेलुया, हालेलुया। आप बोलोगे मुझे प्रचार करना नहीं आता है, सीखो, बोलना नहीं आता है, शुरू करो बोलना। गलत करोगे तो भी क्या हुआ? बच्चा जब छोटा रहता है क्या वो ABCD बोलना चालू करता है क्या? हकलाते हुए बोलता है। एक बात पता है क्या ये बोलता हूँ मैं, भले आप ना आपकी हिंदी शुद्ध नहीं होगी, इंग्लिश शुद्ध नहीं होगी, मराठी शुद्ध नहीं होगी, भले लोगों को नहीं समझाएगा, एक बात ना शैतान को बहुत अच्छा समझता है। और शैतान ना डरता है किससे पता है? जो शब्द परमेश्वर का शब्द आपके मुख से निकलता है ना तब उसकी फटती है। ये मुंबई का भाषा बोल रहा हूँ, किसकी फटती है? शैतान की। इसके लिए वो सबसे ज़्यादा डरता है किससे? परमेश्वर का वचन जो आप लेते हो और आप बोलते हो तब उसकी उसकी राज्य का नाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय। सब आप अपने आँखें बंद करें। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर सरल तरीके से, अच्छे अच्छे दृष्टांतों से, अच्छे अच्छे गवाहियों से आप अपने सिखाए प्रभु। ओके, आपका योजना हमारे जीवन में कितना सुंदर है प्रभु। प्रभु अब तक हम अपना जीवन अपने अनुसार जी रहे थे, पर प्रभु आज आपने हमें सिखाया प्रभु कि आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं हम, हमें इस्तेमाल करने के लिए अपने राज्य के लिए। प्रभु हम आपके बच्चे हैं और हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं प्रभु। इस्तेमाल करो प्रभु आप हमें अपने राज्य के लिए। धन्यवाद प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए आपके राज्य के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। इज द लॉर्ड, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन, हालेलुया।